और पर मंथ वाली जो आप बात कर रहे हैं हो सकता है कि ऐसा ही कुछ करना पड़े कल मैंने देखा था कोई कमेंट आया हुआ था आपके ट्विटर पे कि यार इस तरह तो एको चैम्बर बन जाएगा एक ही तरह के लोगों को बुला लेते हो तो मैंने कहा ठीक है ये कभी इमरान रियाज को या किसी और राइट बंदे को तो नहीं कहा तो ठीक है हमारा भी चैम्बर बन जाए फिर कोई मसला नहीं है ऐसा सरप्राइजिंगली तो लोगों को लगता है कि पूरा एक स्पेक्ट्रम सेम ही है, जान like, जान अगर आप और आप और और बैठेंगे, मैं भी जब बैठते से uh, मौका कॉफी पे भी हम बैठे थे तो हम बड़ी चीजों पर डिसग्री भी करते हैं uh, बड़ी चीजों का इवन हिस्टोरिकल इवेंट्स भी डिसग्री ऑन बट आई डोंट नो वाई पीपल फील के बस अगर आप ये नहीं कहते कि uh, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और uh, लोगों को सड़क पे नहीं लटकाना चाहिए तो आप सब सेम है आप सब एक, एक है। हाँ वो ऐसे इतनी डिफ्रेंशिएशन कैसे सीखेंगे अगर वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री जो एक स्टेट का, point, का उस, उसके अलावा पढ़ेंगे ही नहीं कभी तो क्योंकि वो एक ही नैरेटिव है ना सिमिलरिटी है सब में जो थॉट था उसमें कहीं होगा उसके खिलाफ होगा उसकी रीजन हर चीज जो है वो सेकेंडरी चीज है पहली ये है कि वो ये कहते हैं कि दिस इज समथिंग समान में जो इतना बड़ा एक क्या है कुछ साइंटिस्ट लोग भी इस तरह के हैं सेकुलरिज्म की बात करने वाले भी हैं लिबरल्स भी हैं तो वो कभी इस क्लासिफिकेशन को विजिट करना नहीं चाहते क्योंकि उनको सरफेस से एक ही नजर आ रही होती है सारी कि हमारे जो नरेटिव हैं उसके अगेंस्ट हैं और कॉन्ट्रेरियन है बेसिकली सो आई थिंक पाकिस्तान में इतना अगर पॉलिटिक्स की भी ऐसे बात कर लें कुछ सियासी पार्टियां भी इस तरह की हैं जिस तरह मंजूर पश्न साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले लाहौर में तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि अच्छी बात है कि बलोचिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो मैंने कहा भाई वो फाटा के लिए बात कर रहे हैं बलोचस्तान के लिए तो कभी कभी करते हैं लोगों को ये भी नहीं पता कि इस तरह की सियासी पार्टियाँ या फिर जो सोशल मूवमेंट्स हैं अवामी तहरीकें हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं बात कहाँ की कर रहे हैं उसकी वजह कि मीडिया के ऊपर भी गलबा है ना इन नरेटिव का कराची लाहौर इस्लामाबाद के अलावा किसी भी शहर में मीडिया हाउस कोई एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वहाँ के इंडिजिनस इशूज को उठा रही हो तो इसीलिए अर्बनाइज थिंकिंग है और अर्बन सेंटर्स के अंदर तीन चार पार्टियां हैं और उसके खिलाफ जो भी बात करता है उससे हटके किसी और पार्टी में लायक करता है किसी और आइडियोलॉजी की बात करता है तो वो सारे ही या गद्दार वाली कैटेगरी में आते हैं या सारी सबको सुरखा कह दिया जाता है या सारे के सारे जो है वो लिप्टार्ड्स होते हैं

और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मीर जाफर कह रहा है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिकन एजेंट कह रहे हैं उसके साथ क्या होता या अगर इवन जरदारी कह दे कि भाई आर्म फोर्सेस में म्यूटनी होनी चाहिए जो फैमिलीज हैं वो हमारे जलसों पे आए एक्स आर्मी के जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हों इनके खिलाफ बोलें ये बात अगर पीपीपी ने की होती बलोचियों ने की होती पख्तूनों ने की होती तो फिर उनके साथ क्या होता सबको ही पता है सो पीपल हु आर एट द दे वेरी डिफरेंट आपको भी सब ये कहते हैं, आपकी जमीन जरूर होंगी मैंने सुना था उसकी बात कर रहा हूँ किसी ने कॉमेंट किया था की कम अज कम सौ करोड़ तो होगी तुम्हारी पर्सनल वेल्थ कहाँ है ये सौ करोड़ कहाँ कहाँ है ये तो आपने बताना है कहाँ पाई है कोई खजाने का डब्बा पीछे पड़ा हो शायद चेयर के नीचे खैर वो इस तरह के हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इससे भी ज्यादा मार्जिन लेने वाले ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं अगर हम पीएलपी की या इस तरह की किसी मूवमेंट uh, की बात करें तो उन्होंने अपने धरनों में जलसों के अंदर पता नहीं किस किस पे ये भी इल्जाम लगा दिए कि ये तो मुसलमान ही नहीं है इनके तो खिलाफ फौज के अंदर से तहरीक उठनी चाहिए और इनके गले काट देने चाहिए जिसके बाद में क्रैकडाउन भी हुआ सारा कुछ हुआ कुछ नहीं हो सका सब फ्री फिर रहे हैं अभी तो बात वही जो हमेशा दोहराता हूँ दोबारा से फिर वही है कुछ है, हाँ बन जाएगा लेकिन बात वही है कि मोनोपोलियन वायलेंस अगर आपके पास है आप कुछ भी कर सकते हैं तो अगर आपने अली वजीर की बात की है या किसी ऐसी तहरीक की बात की है जो नॉन वायलेंस वायलेंट तहरीक है जो इश्यूज को हल करने के लिए टेबल पे बैठ के बात करने के लिए निकलते हैं या पीसफुल एतजाज करते हैं

कुछ ही दिनों या घंटों बाद fact, उनको कोविड हो, तो तो कंस्पिर, हो रहे हैं लेकिन पॉइंट यही है ना कि इंटरकनेक्टेड चीजें ये होती हैं सारी और कोविड एक दो लोगों को और भी हुआ है ठीक है वो जो जस्टिस साहब थे वो आई सेठ से उनको हुआ था और लोगों को हुआ था ये तो हो जाता होता है एकदम काजी फायज ईसा साहब को भी कहा था कि आप एक मखसूद अस्पताल में इलाज करवा लें उन्होंने कहा नहीं मैं खुद ही करवा लूँगा शायद इसलिए बच गए तो बात यही है कि आ, उसके ऊपर भी खैर इमरान खान गवर्नमेंट का आपने सुना ही होगा कि खान साहब ने कहा कि मुझसे गलती हुई कन्फेस कर लिया कि मैंने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को जो कोयटा से बिलोंग करता है एक ऐसा सूबा जो ग्रीवेंस से पहले ही भरा हुआ है जिनकी पहले ही मेन स्ट्रीम में कोई आवाज़ नहीं है और फायज ईसा जो कायदे आजम के साथी थे उनका बेटा है ठीक है जिसके पेट्रियटिजम पे आप और मैं शक नहीं कर सकते और जिसने तमाम पेशियां भी भुगती बाहर भी नहीं भागा उसकी बीवी भी पेश होती रही है एफ बी आर में उसके चेयरमैन को तब्दील कर दिया सिर्फ इनका केस खोलने के लिए आर एफ अलवी साहब ने शेमलेसली ऑर्डिनेंस पे साइन कर दिए बगैर देखे मैं कर क्या रहा हूँ ठीक है और अब तक वो कुर्सी पे चिपके हुए हैं तो उसके बारे में कह दिया कि ये गलती हो गई थी हमसे नहीं करना चाहिए था कितना आसान है कि एक इंसान को दो तीन साल आप अदालतों में ड्रैग करें छोटे इल्ज़ाम लगाएं डेफिनेशन की कैंपेन करें बाद में आप फेक न्यूज के खिलाफ लेजिस्लेशन भी करते हैं पर आप कहते हैं कि इल्जाम लग जाते हैं इस तरह के इसीलिए हम नहीं होने देंगे ये सारा कुछ कर खुद वो करते हैं परपेट्रेटर तो आप ही है ना असल में और उसके बाद में वही लॉज जो आपने बनाए उसी का शिकार शेरी मजारी की बेटी हो रही है ये सब कुछ एक जो है वो वही सब है जो आप अपने हाथों से करके गए हैं और अब आपको खुद फेस करना पड़ रहा है हम तो कंडेम करते हैं इस बात को बात वही हो जाएगी सब कहेंगे पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं लेकिन पॉइंट यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अगर आपने ओवरऑल कंट्री में बात करनी है तो सड़कों पे कौन है इस टाइम कौन जल से जुलूस कर रहा है कौन इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगा रहा है मैंने बड़ी सिंपताइज करके ट्वीट भी कर दिया मैसेज कर दिए और लोगों को भी स्टेटस लगा दिए कि बहुत गलत किया है पंजाब पुलिस ने जो घरों में छापे मारे हैं मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इसको कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सिक्सटीन गारंटी करता है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुल uh, असेंबली को उसके बावजूद इतना क्रैकडाउन हुआ घरों से उठाया कारकुनान को हम बिल्कुल खिलाफ हैं इसके हम समझते हैं ये ये भी एक फासिस्ट टेंडेंसी थी ये टैक्टिक था गवर्नमेंट का जो नहीं होना चाहिए था लेकिन उसी शाम को जो इन्होंने इस्लामाबाद जाकर किया तो लोगों ने मुझे कहा कि आप किस मुंह से कह रहे थे कि इनको निकलना चाहिए था आप देख लें या निकले तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे फिर उसकी रेफ्यूटेशन के ये आग इन्होंने नहीं लगाई किसी और ने लगाई है उसकी वीडियोज भी आ गई लेकिन मानना किसी ने भी नहीं तो बात यह है कि आप पर्पज़ क्या लेकर जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है अगर आप का आजादी मार्च का सिर्फ एक प्रोटेक्स तो कि तरह इस्लामाबाद में इकट्ठे होने से अमरीका से आजादी मिल जाएगी आ, एक अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है मडोना होर कॉम्प्लेक्स तो उस, जिस तरह आपने काजी फैजीसा की बीवी का भी जिक्र किया वो तो औरत नहीं है जब पी के खिलाफ कुछ होता है ह्यूमन राइट्स को भी जलील किया जाता है औरत मार्च को भी जलील किया जाता है जबकि राशिद के साथ हुआ आप हो गए हमारे लिए जान हो गया जबरान नासिर हो गया मैं हो गया कोई भी जिसने वो वीडियो देखी वो आप कंडेम के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते बरबरीत है गुल्लू बट पॉलिटिक्स है कि यार एक औरत हुज कैंसर पेशेंट हुज हुज सर्वाइवर डन सो मच कोविड के टाइम में उन्होंने एक दो स्टेटमेंट दे दी थी बट काम बहुत किया है उनकी गाड़ी आ, को इस तरह डंडे मारना इसको कंडेम कैसे कोई नहीं कर सकता लेकिन औरों की तो, जो औरतें होती हैं उनके उन उनपे सब जायज हो जाते हैं क्योंकि मरियम नवाज आपके जहन में चोर है तो वो होटल के कमरे में अपने हस्बैंड के साथ सो भी रही हूँ तो उनका दरवाजा तोड़ के आप आ सकते हैं वो कोई मसला नहीं वो अगर जेल में हो तो उनको आप गालियाँ भी दें आप जाके ये जल्सों में कॉमेडी भी करें कि जी नवाज शरीफ को तो मैं हार्ट का पेशेंट है उसको दवाई नहीं दूंगा वो ठीक हो जाता है वो जायज़ हो जाता है आपके उस पर तो जिक्र भी नहीं किया जा सकता बोला भी नहीं जा सकता वहाँ वेमेन्स राइट्स भी आ जाते हैं और हम फालतू में अहमी जलील हो जाते हैं कि कहाँ है वो लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हम यही हैं क्योंकि हम प्रिंसिपली चीज़ों के अगेंस्ट होते हैं पॉलिटिक्स और तो ये आप लोगों का काम है ऐसे ही है और उसके अलावा जलसे में मरियम नवाज को ये भी कह सकते हैं कि बार बार मेरा नाम ना लिया करो ये ना हो कि सफदर गुस्सा हो जाए ठीक है है तो इस तरह की statements भी देना बहुत है आपके लिए फिर लोग आगे से जवाब देते हैं कि वो भी तो ऐसी बातें करती रही हैं इनको ये डिफरेंस ही नहीं पता कि किसी को सेक्शुअलाइज करना और क्रिटिसाइज करने में कितना बड़ा मिडिल ग्राउंड है कितना बड़ा फर्क है तो वो इस स्टेटमेंट को किससे इक्वेट करते हैं कि मरियम ने कह दिया किसी और ने कह दिया कि ये पिंकी पीरनी है या वो है ठीक है क्रिटिसिज्म बिल्कुल गलत है नहीं होना चाहिए इस तरह का जिसमें पर्सनल अटैक्स इंटेंडेड हो और बिलो द बेल्ट हो लेकिन ये किसी को सेक्शुअलाइज करने के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि वो क्या होता है क्या आप अपने उसका बाप जो है ना वो शायद एक दो साल ऊपर नीचे हो आपसे बस उस उम्र के इंसान है और आप उसको पहले नानी कहा अपने चले ठीक है वो उस पर हमने कोई मैंने तो कोई बात नहीं पर्सनली की उस पर क्योंकि ये लोग भी करते रहते हैं राना सनाउला साहब भी की भी ऐसी, जुबान है, वो भी ऐसी बातें करते रहते हैं पहले भी कर चुके हैं मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जब पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे उस टाइम पे और नवाज शरीफ साहब वगैरह के साथ शेख रशीद थे जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पीली टैक्सी कहा था बेनजीर को ठीक है वो भी हमें सब याद है तो ये भी कह रहे हैं कि भाई एक पैर मेरा पिशावर है एक पैर कराची है

और वो इकट्ठे होके क्या कह रहे हैं कि मतील्ला जान का बचपन में रेप हुआ था और हंस रहे हैं उसके ऊपर और कह रहे हैं कि तुम बताते क्यों नहीं हो वो आपका वो बैरक के अंदर जब आप फौज में थे तो उस टाइम आपका रेप किसने किया था बताएं लोगों को और साथ हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि असल में खूबसूरत बहुत था उस टाइम के ऊपर इसलिए हुआ होगा तो इन लोगों को कोई सेंस नहीं है कि आजकल की दुनिया कहाँ तक पहुंच चुकी है ना आप कोई रेसिस बात कर सकते हैं ना आप इस तरह की सेक्शुअल डॉट्स कर सकते हैं किसी को इन लोग को की जीरो अंडरस्टैंडिंग है यही इमरान रियाज खान है जिसने अपने लड़की का सर काट के अलादा कर दिया एक पागल आदमी ने ठीक है जो अभी तक ट्रायल पे है उसको जो है ना वो एक लिहाज से अपीज कर रहा है कि हाँ ठीक है उससे तो गलती हुई चलो ठीक है हो जाती है लेकिन वो लड़की बाहर क्यों निकली थी तो इनके लीडरान भी फिर इसी तरह के होंगे वो भी जलसों में बैठ के यही बातें करेंगे लोग कहते हैं राना सनाउल्ला भी ऐसी बातें करता है अब उसके उसके खिलाफ बात नहीं करते भाई इन्फ्लुएंस की बात करो ना पूरी मुल्क के अंदर एक एक लीडर ने मोबिलाइज किया हुआ है एक एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की एक जो सपोर्ट है उसको उसको लाखों सुनने वाले हैं सोशल मीडिया पे उसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है पीटीआई एक अनपैरल्ड सपोर्ट है सोशल मीडिया के ऊपर डायासपोरा में है और जगहों पे है जब वो एक बात करता है उसका रिपल कितना बड़ा होता है राना सनाउल्ला इज अ नो बड़ी अगर अगर कंपैरिजन किया जाए उससे, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं समझते कि वो भी ठीक है ये कहते हैं, कर दो हर को। एक गाली आपने इमरान खान को निकाली ये, एक को निकाल दो और ये जरूर करना है अगर ये ना किया तो आप तक खुदा की कसम नहीं समझ में आता अगर हमारा ओपिनियन है चलिए मैं अपनी बात कर लेता अगर मेरा ओपिनियन है कि इमरान खान इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान ये बायस्ड ओपिनियन नहीं है यार ये ओपिनियन है आपको बता सकता हूँ क्या वजुआत है बट इफ यू डों ओपिनियन होना और बायो है. बोलते हैं क्योंकि आई रियली वैल्यू माई क्रेडिबिलिटी एंड ऑनिस्टी मुझे बोलते तो झूठ बोल रहे तो मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है जब आप किसी को बायस बोलते हैं ना वो इतनी बड़ी गाली इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा ओपिनियन है या तो तुम्हें पैसे मिले हैं या तो कोई वजुहत है अभी किसी ने कमेंट्स में भी लिखा था कि मुजमिल को इतनी नफरत इमरान खान से क्यों है ये पर्सनली होगा जरूर वरना तो इतन, इतना किसी को नफरत होती नहीं है सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन यू कॉल समबडी बायस्ड व्हेन यू कॉल समबडी बिका हुआ आप कह क्या रहे और अगर लेट्स से हम बायस्ड हैं तो किसके फेवर में बायस्ड हैं ये भी बता दें ताकि हम दो चार गालियां उनको भी दे दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ठीक है यार वहां से भी इनको लिफाफे नहीं आ रहे <laughs> वो बाइनरी जो बनाई हुई है ना दिमाग के आप इसको इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कैपेसिटी में क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि उसको इमेजिन ही नहीं किया किसी पोलिटिकल uh, वर्कर ने इनके ना तो आप जब भी क्रिटिसिजम की बात करेंगे तो आप हैं ही पटवारी इसकी बात है ये नहीं देखते कि हम कितना बैश कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो टीका ऑर्डिनेंस लेके आने वाले इसके अलावा ये जो अभी सारा डिफेक्शन क्लॉज जिसके तहत ये उम्मीदवार फारिग हुए कि पार्टी डिक्टेटरशिप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने नाइटीस के अंदर अमीर उलमोमिन अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिक्लेयर करने की कोशिश की ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रीफ केस का कल्चर पॉलिटिक्स में शुरू किया ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री के पैसे से आई आई बनाई और हर हर घर में ब्रीफ केस लेकर गए सियासतदानों को खरीदा और पॉलिटिक्स को गंदा किया ये वो लोग हैं जिन्होंने एहतसाब ब्यूरो बना के जो इनका दोस्त था एहतसाब रहमान उनको टॉन्ट करते हुए कहते थे लोग तो उसको यूज किया बेनज़ीर के खिलाफ ये नैब की रवायत डालने वाले पोलिटिकल विच हंटिंग करने वाले ये लोग हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने जया हक के मज़ार पे जाके कहा कि अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे आपको और अंग्रेजों के कुत्ते नाने वाले लोग ये बेनजीर की तरह के ये हमारा मुकाबला करेंगे तो हमें वो सब याद है कि जब आप जिया के बेटे के साथ खड़े होकर जलसों में गालियां दिया करते थे हमें याद है कि जब आपने पूरी एक ट्रेन उठाई थी इलेक्टेबल्स की और एक नई पार्टी अनाउंस करके किस तरह बेनजीर को गिराया था हम वो नहीं भूले लेकिन हमारा कॉन्टेक्सट ये है कि आज की कंटेम्प्री पॉलिटिक्स में नाइन्टीज का नवाज शरीफ कौन है और वो है इमरान खान बिकॉज देर इज नो डाउट अबाउट इट दैट देर देर इज अ फाशिस्ट टेंडेंसी इन देयर पॉपुलर सपोर्ट दे आर टोटली यू नो वेपनाइजिंग पोलिटिकल डिसेंट और वो ये करते हैं कि कोई उनसे इख्तलाफ करे तो उसको कैंसिल कर दो तमाम ऑफ लाइफ में जिसने उन उनको डिफेक्ट किया है उनकी पार्टी को वो बाहर रेस्टोरेंट में बैठा उसे जाके गालियां देकर आओ उसको शेम करो उसको जलसों में कहो कि तुम्हारे बच्चों की कोई शादियां नहीं होंगी तुम कंवर मरेंगे वो भी क्योंकि तुमने एक पार्टी को रिजेक्ट कर दिया और पहले ये इकतदार में थे तो कहा करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान अब ये कह रहे हैं मैं नहीं हूं तो एक नहीं तो तीन पाकिस्तान तीन टुकड़े होंगे पाकिस्तान के

बिल्कुल और ये जो एंटी ये एक जो है, उस पे भी के आप तो बड़े खिलाफ थे उनके खिलाफ हो गया तो भाई ये लिबर्टी लाहौर का जलसा देख लें इनका जहाँ पर वो जनरल फैज की तस्वीरें लेकर आए थे कि इसको आर्मी चीफ बनाओ ये आपका है दैट यू जस्ट वॉन्ट नो ऑन थ्रोन ऑफ दैट्स इट दैट्स यूर इंटायर इन नक्शल आपका ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में मुदाखलत क्यों हुई आपका ये है कि मुदाखलत बंद क्यों हुई इतना बड़ा फर्क है कि नवाज शरीफ साहब का प्रोटेक्स ये था लास्ट टाइम के मुदाखलत को बंद किया जाए सी पैक के मामले पे था और चीजों पे उन्होंने जो स्टांस लिया हुआ था आपका ये है कि मुदाखलत करना बंद ना की जाए और वो की है न्यूट्रल हुए वो तो अब भुगतो

आप देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन आता है तो उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम्स जो माशरे में पड़ी हुई थी उसको कितना ईजीली कैश किया हिटलर ने आके तो मैंने ये नहीं कहा कि बाकी पार्टी इसकी गलती नहीं है इमरान खान के राइज़ में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की है बिकॉज दे क्रिएटेड दैट ह्यूज वैक्यूम ऑफ अ पॉपुलर लीडर टू काम एंड कैश इट क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करते थे उन्होंने एलिट के साथ अपना कोई कनेक्शन जो एक लिहाज से जो सेलिब्रिटी एलिट्स हैं हमारी उनको अपील करना छोड़ दिया था वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे थे उनकी पार्टी हरारकी बहुत बकवास और रिवाइवलिस्ट किस्म की थी और गली सड़ी थी उसमें रिफॉर्मेशन नहीं थी अच्छा चेहरा नहीं था मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं थी पीपल्स पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती सोशल मीडिया के ऊपर और जगहों के ऊपर तो उसका ब्लोबैक ये हुआ कि एक बंदा आके सारा स्टेक ले गया तो हमेशा हमें वी हैव टू बी वेरी ऑफ दिस एक आरे में जो मसाइल हैं उसको इस तरह का पॉपुल करके अपनी तरफ न ले जाए कहीं क्योंकि हमने तारीख में ऐसा होते हुए देखा है जब ढाई तीन लाख फ्रैंक्स की जर्मनी में डबल रोटी मिल रही थी तो लोगों को तब हिटलर समझ आना शुरू हुआ उससे पहले नहीं आया उससे पहले उसकी तीस सीटें भी नहीं थी लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया मसाइल सरफेस के ऊपर आ गए तो नाजीज की लोगों को समझ आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि हमें वोट दे दो सारा कुछ हम ठीक कर देंगे यू हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग हमें पता है क्या करना है जर्मन प्राइड को रिस्टोर करना हमारे कंधों पे है यू जस्ट हैव टू सपोर्ट अस और उसके बाद में चांसलर बनता है और क्या होता है आप देख लीजिए और एंड दे वर नॉट डम पीपल माइंड यू दे वर द मोस्ट लिटरेट लिटरेट नेशन इन इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट एट दैट पॉइंट तो ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ हो या पागल हो तो फिर आपको पॉपुलिस्ट बेवकूफ बना लेता है ये जो पैशनेट किस्म की वेपनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें शदीद पोलराइजेशन होती है ये बहुत ईजी होती है बहुत ईजी सोलूशन प्रोवाइड किए जाते हैं और वो बहुत आसानी से बिक जाते हैं कि करप्शन खत्म कर दूंगा अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा या फिर गुलामी बंद कर देंगे नहीं करेंगे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो ये बातें जो हैं वो बहुत अपील करती हैं पॉपुलर ऑडियंस को तो हम सिर्फ लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जिस कॉन्मैन पर यकीन कर रहे हैं सिम्पलीफाइड सोलूशन आपको बेच रहा है बेवकूफ़ बना रहा है एंड इट इज़ आर जॉब एज सोशल साइंटिस्ट अगर हम ये ना करें तो हमारी एग्जिस्टेंस का ही कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए इसका मतलब है हम डिसऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ

पाकिस्तान की जमीन तो जरखेज़ है हम लोग तो सब करोड़पति होते बस ये नवाज और जदारी ले गए इमरान खान अगर पॉपुलर है आप उसके जल से उठा लें कि पाकिस्तान का मसला क्या है अहमदी जो अली मोहम्मद खान है उनको आप इतना सपोर्ट कर रहे थे मीम्स बना रहे थे लिबरल पढ़े लिखे ग्रामर लाइसियम के बच्चे की यार ये अकेला बंदा खड़ा था वो टो नो कॉन्फिडेंस अकेला बैठा था वो सैड टू नू टू नू निक तून� टॉक्स बनाकर ये वो आदमी है जो जाके जलसों में कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी हमारी सक्सेस है कि हमने अहमदियों की कमर तोड़ दी है पाकिस्तान में सो so जिस तरह उन्होंने जूस को बनाया हुआ था वैसे ही अगर पाकिस्तानी आप सोच लें कितने अहमदियाँ पाकिस्तान में दस हजार बीस हजार लाख दो लाख तीन लाख अगर एक पूरी आवाम को वो बीस लाख जो भी दो लाख अहमदी कंट्रोल कर रहे हैं तो उन्हीं को दे दे मुल्क यार वो फिर शायद बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं कि पूरा मुल्क

प्रेशर में आके दोबारा से रिजम्पन ऑफ टाइज कर लें यही अब स्ट्रेटजी है कि आपने देखा कि जो बाइडन फोन नहीं कर रहा दो साल पहले सर मार लिए तैयारियां कर ली बहुत कुछ किया बैकडोर रबे किए बेग भी मांग ली नई कॉल आई उसके बाद आपने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं दूसरा आरिफ नकी वाला मामला भी है ना कि वो मनी लॉन्ड्रर जिसने इनकी पार्टी को फंड किया है जो कि डिक्लेयर हो चुका है कि मनी लॉन्ड्रर जिसने अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन पीटीआई की तरफ की है जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो अगर उसका नाम सामने ना आ जाए जो कि अमेरिका में एक्स्ट्रा हुआ है उसको यूके से उठा के वहां लेकर गए हैं तो अब उसको भी प्रियम्पट ये लोग कर रहे थे तो कुछ तो फिर कुक करना था ना ताकि आगे जाके ये डैमेज कंट्रोल भी तो करना है तो इसलिए एंटी अमेरिकनिज्म बहुत आसान है वरना इनके आठ से दस बंदे अपनी कैबिनेट में वहां के बैठे यूसुफ को अपनी कैबिनेट में रख के अमेरिका के खिलाफ के फौज खिलाफ बात करें देट वाइस से ठीक है और इन्होंने ऐसे ऐसे मजाक किए सानिया से लेके ले शहबाज गिल से हफीज शेख शहबाज गिल सानिया इस तरह ठीक है और बहुत लोग हैं शबर जैदी के भी इस तरह ही वो पहले उसका सीवी भी इस तरह ही है हाँ और वो क्या नाम है उसका फैसल वापडा हाँ तो ये सारा कुछ अवाम को नजर नहीं आता सबसे प्रो ट्रम्प पूरी दुनिया में शायद किसी की पॉलिसी थी ना तो पाकिस्तान की थी जब इमरान खान साहब को बड़ा शौक था तस्वीरें खिंचवाने का उसके साथ और आगे कह रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ वहाँ से और इतने बड़े बड़े जलसे भी किए हैं वहाँ जाके मैंने ऑडिटोरियम्स में तो तब बहुत अच्छा था अमेरिका लेकिन जैसे ही आपसे इंगेज करना उन्होंने बंद किया है उसकी वजह यह है कि आपने अपने बंदे को अफगानिस्तान भेजा वो चाय पी के आया वहाँ पे उसने कहा सब ठीक हो जाएगा तो ने कहा कि अब हमें कुछ ठीक नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद से आपने इनको इंश्योरियर भाजपा ने जो अपनी पॉलिसी अनाउंस की है इस्लामाबाद के अंदर वो जो एक सेमिनार हुआ था सिक्योरिटी की कवर डायलॉग था उन्होंने ओपनली कहा कि हमारे पार्टनर्स हैं और हम तो सोच भी नहीं सकते कि डिस करें इनके साथ हमारा मिलिट्री हार्डवेयर ही वहां से आ रहा है जो सही कह रहे हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को रेज करने वाला अमरीका है हार्डवेयर देने वाला अमरीका है आपके डैम्स बनाने वाला अमरीका है और अब आप कह रहे हैं गुलामी नहीं करेंगे तो तो कहते रहे बेवकूफ़ बनाए लोगों को आप लेकिन चीन तो आपको छह परसेंट पे लोन देता है रशिया आपको तेल भी नहीं दे रहा कोई आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है उसका वहां से आके फजूल होपला फैला दिया आपने कोई आपके पास सबूत नहीं है कि कोई डील हुई है इतने सालों से आपकी वो पाइपलाइन डील फंसी हुई है उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया तो आप तो तीस चालीस साल से रशियन पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं बड़ा भी एयरपोर्ट पेशावर से यू टू उड़ा था आपके यहाँ पे जो रशिया में सर्वेलेंस कर रहा था तो उस टाइम से धमकियां दे रहे हैं वो लोग तो आपको इंडिया ने उनसे हमेशा पार्टिसिपेट किया उनके साथ तो अगर इंडिया यूएन में जाके रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं देता तो उनके पास पचास साल की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंसी की हिस्ट्री है इसीलिए वो वोट नहीं देते आप तो कल परसों उठ के प्रो रशिया हो गए हैं आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि जो है उन्होंने आपको दिया क्या है आज तक कुछ भी नहीं दिया एक स्टील मिल लगाई थी कराची में एक दो काम किए थे वो बाद में सब ओवरटर्न हो गया इमरान खान की पॉलिटिक्स यही है कि कौन मुझे बुलाता है और कौन मुझे नहीं बुलाता सारी फॉरेन पॉलिसी मुल्क की पॉलिसी आगे क्या होगा वो इस इस पे डिटरमिन होगा किसने इमरान खान को फोन किया है और किसने इमरान खान को फोन नहीं किया है अगर हम

उस हैं कह रहे थे कि भाई कहा नहीं है शुजा खान ज्यादा को किसने बिल्कुल शुजा खान ज्यादा जो इंटीरियर मिनिस्टर था पंजाब का उसको घर में बैठे हुए वहाँ जगह चल रहा था बम फेंक के चले गए अंदर सारा घर ही उड़ गया ठीक है क्योंकि उसने एक दो लोगों को पकड़ के अंदर किया था मारा था उसके अलावा क्या कुछ साउथ पंजाब से मैं हूँ मुझे मालूम है की मुजफ्फरगढ़ से आगे जाए तो आपको सीन क्या नजर आते हैं वहां पे किस सड़कों पे सेवेंटी सीसी बाइक के ऊपर दो जो है ए के फोर्टी सेवन यहाँ लटकाई हुई है और बाइक पे जा रहे हैं कोई पुलिस नहीं है कोई कुछ नहीं है बिजली के मीटर नहीं लगे हुए वहाँ पे वहाँ स्टेट की रेट आपको नजर ही नहीं आती तो हमने ये राना सनाउल साहब की जो जंगवी पॉलिटिक्स है इसको बहुत अरसा हमने मॉनिटर करके देखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद अब अगर आप ये कहें कि अब आप खान के खिलाफ बात ना करें आपने दो बातें की हैं तो बैलेंस कर दें तो ये हमने नहीं करना बिकॉज आई 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 थिंक टू डिस्ट्रॉय एंटायर सोसाइटी सो एग्री एग्री विद विद यू यू कि राइट नाउ इमरान खान सबसे ज्यादा डेंजरस है बिकॉज़ वो जिस हद तक लोगों को लेके जा रहे है। हमने 2014 में भी देखा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ पीटीवी न्यूज पे अटैक हुआ अगर इदारे भी बुरे हैं अगर जुडिशरी भी बुरी है अगर इस्टेब्लिशमेंट भी बुरी है अगर सब बुरे हैं तो फिर पाकिस्तान में बचा क्या एक भले वो माइनॉरिटी हो भले आपके करोड़ सपोर्टर हो उनमें से वन परसेंट भी लाख बंदा होता है लाख बंदा भी जलाने मारने पे आ गया

आई थिंक यू शुड हेवर डन दैट लेकिन इतना बड़ा मजाक है इस इस पूरे मुल्क के साथ कि एक अपॉइंटमेंट के लिए पूरा मुल्क हिला के रख दिया आपने वरना क्या था अगले साल इलेक्शन मैक्सिमम ट्रैक करके कब हो जाएगा अगस्त में हो जाएगा तो खान साहब कहीं भागे जा रहे हैं इनका वोटर कहीं भागा जा रहा है क्या इसके बाद जो है वो डूम्सडे आ जाना है 2023 में जब उसका इंतजार नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि नवंबर की तलवार सर, सर पे लटक रही है उस तलवार को अवॉइड करना है तो आप हिसाब लगाइए कि एक जो है वो गवर्नमेंट की पोजीशन के ऊपर सरकारी मुलाजिम की एक उसको डिप्लॉय करना है आपने उसके लिए पूरी सियासी जमातें सारी दूसरे के अगेंस्ट टाइम ही हैं सड़कों पे आगे लगा रहे हैं लाई तो लाई लो लो गए गए ना, लाई रहे लाई गई गई ना ये तो मैं मतलब बिल्कुल लाई गई है मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ इज अट एक्चुअली ठीक है आई है सेमरान खान उसकी वजह यह है कि उनकी सपोर्ट के बगैर ये सोच भी नहीं सकते थे इफ दे हैड द नंबर वाई दे डिड नॉट ब्रिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इमरान खान दे देव डन दैट नहीं किया क्योंकि जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे जरदारी साहब हों पीपल्स पार्टी वाले हों बड़ा प्राउडली कहते हैं कि पहली मरतबा इस मुल्क की तारीख में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट को हमने निकाला है ये जमहूरी प्रोसेस है मैं कहता हूँ ये मजाक है उसकी वजह पता क्या है क्योंकि अगर टू थर्ड मेजोरिटी हुआ करती थी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इफेक्टिव नहीं था पहले आप अदालतों से निकालते थे बंदों को कोर्ट से नायल करवाते थे ये पहली गवर्नमेंट है इस तरह की जो इतनी पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं थी तो आपने ये वे ले लिया लेकिन उसकी मोटिवेशन और ड्राइविंग फोर्स तो सेम है आई एग्री और बड़े घर से पिंडी से अगर, अगर तो आप किसी और के तो रहम पे चुस्नी चूस रहे हैं तो अगर वो चुस्नी ले ले तो आपको रोने का हक भी नहीं होना चाहिए ना ऐसे ही है मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पार्टीज अगर आ गई हैं तो मेरा ये कभी पॉइंट नहीं था कि मैं ये कहूँ कि खान को निकालो और इनको ले आओ मैं तो समझता हूँ इन्होंने खान का उतना फायदा किया जितना वो अपना कर नहीं सकता था एक साल वो और निकाल लेता उसके अपने वोटर मैंने देखा था उसको गालियां दे रहे थे पिछले साल तक जब वो महंगाई शदीद हो गई और क्या कुछ नहीं हुआ इन्फ्लेशन और रिकॉर्ड कर्जे लिए एनी थिंकिंग मैन कैन फिगर आउट की अमेरिकन कंस्परसी वाला झूठ है इसी तरह का इमरान खान कोई और शोषण छोड़ देता तो, ये जो ये मिडिल क्लास सपोर्टर है जो एज सच पोलिटिकल नहीं है जिसको एज सच पोलिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी बिजली जनरेटर से आती है पानी टैंकर से आता है स्कूल उनके बच्चे प्राइवेट जाते हैं अस्पताल उनके प्राइवेट है उनका कोई गवर्नमेंट से या उनके एम एन ए से ताल्लुक एज सच नहीं है ये चाहती है इमरान खान को सपोर्ट करना क्योंकि इनको ये कमतर लगते हैं इनको एम्बेसमेंट होती है कि यार मेरा प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजी नहीं बोल सकता मेरा प्राइम मिनिस्टर पटवारी बंगी लगता है उस एम्बेरसमेंट से हट, हटने के लिए इमरान खान को सपोर्ट करते हैं जिसको हम एक हैंडसम हैंडसम uh, इस फिना को डिस्क्राइब करते हैं सो इमरान खान अगर कोई इसी तरह का अमेरिकन साजिश टाइप सोचा छोड़ देता तो यही जो लोग गालियाँ दे रहे हैं वो उस टाइम भी स्विच हो जाते बिल्कुल मैं समझता हूँ किसी ची हद तक तो इनकी सपोर्ट लूज़ नहीं होती क्योंकि वो एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है और तो 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 है। की है। मैं करता हूं सारे पढ़ें और अगर आप वो पढ़ेंगे आपको लगेगा कि वो

ने नहीं देंगे अलीट के खिलाफ भी होते हैं और वो कहती है कि एक टेम्प्री अलायंस बनती है मिडिल क्लास की लोअर क्लासेस की भी एलीट के साथ इन पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए तो खान साहब की मैं समझता हूँ एक वाद पार्टी है जिसकी हर क्लास के अंदर भी सपोर्ट है सेलिब्रिटी क्लास जो कि बाहर के, के मुल्कों में बैठी हुई है वो भी उनके हक में ट्वीट कर रही है शान शाहिद साहब भी उनके हक में ट्वीट कर रहे हैं ठीक है थीके? इस तरह जो लोअर क्लासेज हैं जो अभी दो से तीन लोग धरने में मरे हैं हमें पता है कहां कितने वो जो है वो अंडर लोग थे। पिछले चार साल क्या मिला उनको जिस वजह से वो बाहर निकल के सड़कें जलाने के लिए आ गए उनको खुद भी नहीं मालूम हैव गॉट नथिंग सपोर्ट डॉगमेटिकली तो ये टेम्परे अलायंस बनाती हैं इस तरह की पार्टीज़ क्योंकि ये चलती ही इमोशन के ऊपर है और हानाथ कहती है कि इनके सपोर्टर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उनकी सपोर्ट ही पे बेस नहीं है दे लाइक देयर लीडर्स विद देयर लीडर्स तो बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों चीजों में तो इसीलिए आप इनसे कोई करें इनको कोई बात समझाएं 2008 2008-9 से पहले के पाकिस्तान की तारीख पूछ लेने कुछ नहीं पता ये एकदम से एक्टिवेट होने वाला एक कहना चाहिए कि एक फ्रेंचाइज होती है जो इससे पहले वोट भी नहीं दे रहे होते तो ये एक नया वोटिंग पैटर्न इस तरह के लोग जो है ना वो उसको मोबिलाइज करते हैं इमरान खान की तरह के और इन्होंने किया है जिस वोटर को इन्होंने बाहर निकाला है वो पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता था तोहाना रंथ कहती है कि इनके पास अपना कोई प्रोटेक्सट नहीं होता पावर में आने का इनका सिर्फ ये होता है कि बाकी सब गलत हैं और हमारा सिर्फ ये नैरेटिव है और वो ये भी कहती है कि अक्सर ऐसी जो पार्टीज होती हैं वो पावर में आने के बाद उन्हें मालूम नहीं होता क्या करना है क्योंकि उनकी सारी सपोर्ट ही दूसरे को अटैक करने पे बेस कर रही होती है सो इट इज़ सो सिनोनिमस टू द पाकिस्तानी कंडीशन के हैरानगी होती है कि हिस्ट्री जो है वो इतनी कार्बन कॉपीड होके के यहाँ पर रिपीट हो रही है कि वही ए पोलिटिकल ऑडियंस है वही एलीट और लोअर क्लासेस का टेम्प्रेरी अलायंस है वही रैशनल सपोर्ट है जो कि आर्ग्युमेंट से चेंज नहीं हो सकती और वही नैरेटिव है कि बाकी सब गद्दार और एलिटिस्ट हैं हम अच्छे हैं हमें सपोर्ट करो सो आई थिंक दिस इज कंप्लीटली आई मीन इट्स नॉट समथिंग एनिग्मेटिक फॉर मी टू डीकोड इट्स देयर इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू यस देयर इज आल्सो दैट हेट फॉर द ماس्सस दैट द एलीट हैज राइट के हमारी बात सुनी जाए हम पढ़े लिखे हैं हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हमें ज्यादा पता है ये गरीब पटवारी जो कीमे वाले नान के लिए वोट दे देते हैं इनसे फर्क नहीं पड़ता आई मीन इट्स सो सोनॉक्शन बाईस करोड़ आवाम इमरान खान के साथ है सात हजार लोग नहीं आए टी चौक पर कहाँ है ये बाईस करोड़ कड़ो, लोग इवन जो लोग गए अगेन पोलिटिकल राइट है आप जाए जलसों पर बट अगर अगले दिन भी जलसा होता आप नहीं जाते इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट को अगर आप स्टडी करें सस्टेन प्रोग्रेस प्रोटेस्ट

जो बाहर से पढ़ने यहाँ पर एक समर सेमेस्टर के लिए पाकिस्तान को स्टडी करने अपनी थीसिस लिखने आते हैं वो चले तो जाएंगे जलसे पे और आपका हक भी है अगर आपको लगता है सही है आप जाएं। बट दी आइडिया दैट बिकॉज यू वेंट टू मीनार पाकिस्तान फॉर थ्री आवर्स the government should change and everybody else's opinion doesn't matter i think is ridiculously conceited और यार एक और बात कि मुझे सबसे ज्यादा हैरान की जो खान साहब के सपोर्टर्स में से होती है ना वो उनकी जो वोटर बेस़ होती है मतलब मुझे समझ नहीं आती इट्स लाइक के एफ सी इज डिफेंडिंग यू नो चिकन इज डिफेंडिंग के एफ सी जस्ट नो डिफरेंस एट ऑल क्योंकि जितनी एंटी वुमेन बातें उसने एक लिहाज से मेन स्ट्रीम की हैं कि वो कहता है कि मैन आर नॉट रोबोट्स आप अगर छोटे कपड़े पहनेंगे तो मर्दों पे असर तो होगा ये उसका रेपापोलोज़म है उसके बाद में वो ये कहता है कि पख्तून जो पश्तून है वो अपनी खुवातिन को नहीं पढ़ाते ये उनका कल्चर है ठीक है उसको ये नहीं पता कि बादशाह खान ने कहा था कि खातून को राइट्स दिए हुए हैं तो रियासत चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी नहीं पता उसको कोई तारीख नहीं पता उसके बाद में वो ये भी कहता है कि ये जो मरियम नवाज की तरह के स्टेटमेंट्स हैं कि सेक्शुअलाइज करना है अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स को और क्या क्या उसने खबरेंटेड पीटी की बड़ा उसने सी आई आई भेज दिया की आइडियोलॉजी करेगा कल इसको किसी फॉरन जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया की कि भाई अब तो तालिबान ने औरतों को घर में बंद कर दिया है स्कूल जाने से मना कर दिया आप तो कहते थे ब्रोकन स्लेवरी अब बोले कुछ नहीं था बोलने के लिए क्या बोलेगा

मतलब आपके पास क्या रीज़न है मुझे समझ नहीं आती कोई खातून ने मुझे आज तक कन्विंस नहीं किया कि मेरे पास ये ये थ्योरी है जिस वजह से खान साहब बहुत डिफरेंट है बाकीों से एक 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 अपील है सिर्फ मैं समझता हूँ मैं उस दिन रिसर्च पेपर एक पढ़ रहा था कोई मुझे मैसेज करे उसको भेज दूंगा कि वुमेन फॉर हिटलर और वो नाजी पार्टी ने अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो खुतिन से ली थी विच इज अगेन वेरी सिमिलर अब हम क्या करें लोग कहते हैं आप ना इन पे नियो नाजिजम का इल्जाम लगाएं हम कैसे ना लगाएं कि जब एक एक चीज वो बिल्कुल सिमिलर करते हैं ये एंड पे आर्ग्यूमेंट ये होता है कि नहीं उन्होंने तो ज्यूस के गले काट दिए उनको गैस चैम्बर बांध के मार दिया तो आप कैसे इसको कर रहे हैं तो भाई शुरू ऐसे ही हुआ था शुरू में हिटलर पब्लिक स्पीचेस में जूस को कंडेम नहीं कर रहा था बहुत बाद में शुरू हुआ था वो तो ये आहिस्ता आहिस्ता पहले ये डिमोनाइज करते हैं उसके बाद में ये वायलेंस को परपेट्रेट करते हैं फिर अटैक्स की तरफ आते हैं फिर जेनोसाइड करते हैं तो ये स्टेजेस होती हैं तो मैं नहीं कह रहा इमरान खान जैनोसाइड कर देगा क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में हो नहीं सकता मैं ये कह रहा हूँ कि टेंडेंसीज कितनी सिमिलर हैं तो जो वुमेन बेसिस सपोर्ट की मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो क्यों है also, people, लोग बहुत ब्लैक एंड वाइट में चीजें देखना शुरू हो जाते हैं क्या इमरान खान से पहले औरतों पर जुलम नहीं होता था बिल्कुल होता है हम कब कह रहे हैं कि यूटोपिया में हम रहते थे या या इमरान खान से पहले माइनॉरिटीज नहीं होता बिल्कुल होता है हम कब कह रहे हैं हमने ऑलरेडी बताया है कि राना सोलान किस तरह सिपा साहबा के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करता था बट इमरान खान अगेन वो जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को अपीस करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें इस्लाम का इस्तेमाल होता है और इस्लाम का इस्तेमाल होता है अगेंस्ट द माइनॉरिटी ठीक है ये तो अगर कोई कोर रिलेशन करे और उसको देखे सिंगुलर रीजन yeah. yeah. तो नहीं हो सकता है इन सारी चीजों का टीएल uh, की, की भी अगर हम देख लें कि फॉर श्योर टीएल के बाद ब्लास्मी के नाम पर मर्डर्स बढ़े होंगे yeah. केसेस हमारे सामने आए हैं श्रीलंकन जो सियालकोट में हुआ था एक श्रीलंकन एम्प्लॉई के साथ वो एक सेमिनल केस है बट अगर वो आदमी पाकिस्तान होता तो शायद आपको खबर में में भी नहीं आ, आप पढ़ते क्योंकि अखबार ये हो, केस आता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने अपने मर जाएं तो इंटरनेशनल इमेज नहीं खराब होती हमारी इतनी तो हम इतनी को, को, इतनी कोई हम परवाह नहीं करते अपने लोग तो इतने सारे हैं बाईस करोड़ हैं दो तीन मार भी दिए तो क्या ही फर्क पड़ता है सो ऑल दिस पॉलिटिक्स एक्चुअली लीड्स टू people's lives being affected and people whose life is the least affected we're not saying you don't have an opinion again the urban middle class elite you have an opinion but your opinion is just as valid as anybody else and when you do go and support a fascist to the extent of you know trying to burn down the country just to get him back into power to appease his personal ambitions you're endangering the lives of a lot of people yeah. and I'm not saying they're liable to be heaven under PMLN or PPP or anybody else. Yes. But for sure. But just just to uh, at just not say Khan yaar, these things. Exactly. Just to say ke yaar financial corruption is equal to fascism. I don't buy this argument. मतलब आप ये कहें कि आपके पास एक सिर्फ cancellation जो movement आपने चलाई हुई है कि सारी opposition parties चोर हैं. ऐसे हजार इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगे हैं. Covid के fund में आपने भी embezzlement की है. आपके पास 12 अकाउंट्स के कोई जवाब नहीं है जो फॉरेन फंडिंग से आ रहे हैं और आप बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि अकाउंट्स पब्लिक ना कीजिएगा प्लीज ठीक है इसके बाद आपने बनी गा, बनी गाला की जो प्रॉपर्टी है जो कि गवर्नमेंट की जमीन थी सी को ऑर्डिनेंस के थ्रू रेगुलराइज करा लिया ठीक है वो आपने किया वो भी ठीक है पैंतालीस ऑर्डिनेंस पास किए अपने तीन साल के टेनियोर में बिच इज द रिकॉर्ड आज तक इतने ऑर्डिनेंस किसी सिविलियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में पास नहीं किए उसके अलावा आर एफ अलवी ने प्रेजिडेंट सॉरी जो गवर्नर हाउस है का, है का उसके उसके अंदर अलवी डेंटल जो की कंपनी उसको बिठा के मेमोरेंडम साइन करवाया पता नहीं 200 मिलियन की डील करवाई किसी ने कुछ US, नहीं कहा फंडिंग लों थी वो कोई नाम मेरे जेहन से निकल रहा है लेकिन वो वहां बैठ के उन्होंने हाँ, स्माइल माइलिया तो उन्होंने उस पर जो है ना वो मेमोरेंडम साइन किया उसके बाद में के पी के, के अगर आप बात कर लें तो वहां पर जो मेट्रो माशाल्लाह बनाई है इन्होंने उसमें कितनी एम्बेजलमेंट्स हैं आप देख लें बिलियन ट्री सुनामी के अंदर कितनी इरेगुलरिटीज सामने आई हैं आप देख लें करप्शन का जो राइज है जो फाइनेंशियल करप्शन का जो स्केल है वो बड़ा है इनकी गवर्नमेंट के अंडर तो ये सारे इल्जाम आपके ऊपर भी हैं तो आप में नून लीग में पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नहीं है सिर्फ प्लस वन है प्लस वन ये है कि आप साथ फाशिस्ट भी हैं ठीक है आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को जिसने सपोर्ट ना किया उसके बच्चों की शादियां नहीं होंगी इनको जलील करो आप वहां पे ग्रैंड मॉस के अंदर वहां पर नारे लगवा रहे हैं और उसके बाद में उसको ऑन भी किया कुछ लोगों ने बाद में डर के हट गए पीछे लेकिन वहां तक इनका जो है ना वो टेरर फैला हुआ है हर जगह पे yeah. आप पब्लिकली बैठ नहीं सकते आप ये नहीं कर सकते जिसने ना सपोर्ट किया वो फैशनेबल ही नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि करप्शन प्लस फाशिज्म इज इक्वल टू पीटीआई एंड इफ यू से दैट ऑल अदर पार्टीज आर करप्ट बाय दिस पार्टी

लेकिन उन्हें करना ही नहीं आता वो फेल हो गए मैथ कम्युनिकेशन टूल्स को मैनेज करने के चक्कर में तो इसीलिए एक छाप लग गई कि जरदारी चोर है बेशक उसको 17 केसेस में बेल मिली हो जो कि इनको भी मिली है बहुत से बंदों को इन पर टेररिज्म का चार्ज है ये दहशतगर्द भी थे अगर सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे आपने किसी को कहना है कि वो चोर या गद्दार है तो इलेक्शन 2018 का उससे पहले ही

जो लोग गालियां देना चाह रहे हैं वो उस तरफ डायरेक्ट करें इसीलिए मैं मुजम्मिल को बुलाता हूँ कि जो लोग मुझे 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 वो गालियां देते हैं आई एम ट्राई नॉट यूज यूथिया वर्ड कुछ लोग बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं बट इसकी uh, वो फॉल्स इक्विलेंसी है मैं जनरली लोगों को चूतिया भी बोल देता हूँ आई डोंट मीन ऑल सपोर्टर्स आर आर स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ सपोर्टर्स हु एक्ट लाइक दे डू लाइक वो कॉमेंट सेक्शन में आप पढ़ लें उनकी बातें आपको समझ में आ जाएगा वो जिस किस्म की गालियां देते हैं आगे से हम यूतिया बोलें तो इतना बुरा नहीं है दैट्स नॉट द सेम एज यू नो इमरान खान कॉलिंग बिलावल बिल्लो रानी विट्स इज एन इंसल्ट अगेंस्ट मेन विमेन ट्रांस कम्युनिटी क्वेयर कम्युनिटी खैर वो एक लंबा Uh, मसला हो जाएगा बट इवन दिस आइडिया जिसपे पूरी इमरान खान की पॉलिटिक्स बेस्ड है कि चालीस साल इन लोगों ने हुकूमत की मुझे कोई मैथ करके बता दे आप कहते हैं इमरान खान को टेन्योर पूरा नहीं करने दिया बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी दस साल हक के उसके बाद अठारह महीने जिसमें प्रेजिडेंट आर्मी का और पंजाब में नवाज शरीफ आपने फारिग कर दिया फिर नवाज शरीफ को आपने फारिग कर दिया तेरह महीने में फिर बेनज़ीर को फारिग कर दिया आपने चौदह पंद्रह महीने में सो ये चालीस साल गए का उसके बाद दस साल मुशरफ था तो ये पीपीपी और PMLN को इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं एंड सिंपल आर्ग्यूमेंट वॉज पाकिस्तान बेटर था उस टाइम इवन जो हमने सारी बातें की जिसमें हमने पीपीपी पी एम एल एन को गालियां दी ये अच्छी चीज है कि दोनों बैठे उन्होंने बोला चार्टर और डेमोक्रेसी बनाओ इन चीजों में हम एग्री करते हैं ये रूल्स ऑफ द गेम है ये लेके चलेंगे अब एक दूसरे की गवर्नमेंट नहीं गिराने की कोशिश करेंगे सर ये मुख मुख है ये मुख मुख that, मुख है इसको एल्स इज पॉलिटिक्स ना मुख ये तो समझ नहीं आती इन, इन, इनकी पॉलिटिक्स में कॉन्टेस्टेशन बैठ के बात करना नहीं है अब आप हिसाब लगाइए कि अगर इन्होंने इनको ये गवर्नमेंट इन इन्होंने रुख्सत करना है इस गवर्नमेंट को भेजना है तो ये पार्लियामेंट्री तरीके से अभी भी कर सकते हैं एक सीट के ऊपर अक्सरियत है, है तो अगर ये स्ट्रेटेजाइज करते लोगों से बात करते पीपल्स पार्टी से कोई डील स्ट्राइक करने की बात करें तो शहबाज शरीफ यू बोला इवन अगेन बाई एंटी एंटी करप्शन पार्टी मलिक रियाज के जो पैसे यूके ने पकड़े आपने यूके से लेकर वापस मलिक रियाज को दे दिए और फिर आप एंटी करप्शन तो तो मुक, कर तो यकीन नहीं करते का नंबर ही बता रहा है वो पार्लियामेंट वाला चक्कर ही कोई नहीं है इसीलिए जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आके सस्पेंड करते हैं और आकर कहते हैं की आप सारे गद्दार है ढाई से तीन करोड़ वोट जिनको पाकिस्तानियों ने दिया अपोजिशन का जो टोटल नंबर है वोट्स का उनकी सीटों का तो वो आ, आते हैं जी वो क्या नाम है उनका वो जो बलोचिस्तान वाले मेंबर हैं जो स्पीकर थे उस टाइम पे कासिम सूरी तो वो आके बैठते हैं कासिम सूरी और वो आके कहते हैं कि क्योंकि आप सारे गद्दार हैं तो वोट और नो कॉन्फिडेंस जो है ना मैं वोटिंग नहीं होने दूंगा पर अब सेशन एडजर्न हो रहा है और बस ये आपके पास रीजन है तो मैंने वो अपनी वीडियो में भी कहा था कि ये इससे पहले वो जो राइटैक फायर का इवेंट हुआ था जर्मन पार्लियामेंट के अंदर की आग लगवाई थी नाजीज ने और उसके बाद में कहा कि ये सारी अपोजिशन चोर और गद्दार है इन्होंने बाहर से कॉम्युनिस्टों से पैसे पकड़े हुए रशियन से और इन्होंने करवाया इसीलिए आइंदा इस पार्लियामेंट को हम काम नहीं करने देंगे तमाम लेजिसलेन का आज से चांसलर इख्तियार्फ हिटलर को दे रहे हैं इट वॉज वेरी सिमिलर इन नेचर और वो सस्पेंड करके बाद में क्या सर्कस करते रहे आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुबह दस बजे वोट करवाना है रात ग्यारह बजे तक भागते रहे कभी हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं वजीर आजम हाउस में कभी गाड़ियां आ रही हैं कभी कुछ हो रहा है और उसके बाद में गार्जियन की स्टोरी है और एपी की भी है और उसके अलावा जो एक दो और भी न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है बिल्कुल कि खान साहब ने कहा बाजवा साहब को कि आप मार्शल लॉ लगा दें और उन्होंने कहा मैंने नहीं लगाना क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते ऑन रिकॉर्ड है दे दे डोंट सू द पेपर इफ आर टेलिंग तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान वो आदमी है जो पीटीआई के वोटर समेत हर पाकिस्तानी से दस साल के लिए वोट का इख्तियार छीन रहा था पीपल स्टिल सपोर्ट सपोर्टिंग वो खुद आर्मी को कह रहा है की प्लीज मार्शा लह लगा दें इसको इक्वेट करें जरदारी और नवाज शरीफ के साथ एक ने ग्यारह साल जेल काटी बाद में बाइजत बरी हो गया ठीक है एक को जहाज की सीट से अतकड़ी लगा के बाहर भेज दिया जनरल इफ्तार ने पेट पे बंदूक रखी उसके जब मुशरफ ने कू किया और उसे कहा कि साइन करो यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन काल कोठरी में बंद किया फिर बाहर बार भगाना पड़ा उसको वो सारा कुछ फेस किया दूसरी तरफ खान साहब हैं जो कह रहे हैं हेलो बाजवा साहब मार्शल लगा दें और आप कह रहे हैं ये दोनों ये चोरों के बराबर नहीं है बहुत सुपीरियर लीडर है खाक सुपीरियर लीडर है यार ये दस साल के लिए आवाम से उसके वोट का हक छीनने वाला आदमी वो कहाँ से डेमोक्रेट है मुझे समझ नहीं आती

और फिर पिशावर के चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला कि हम पिशावर की, right? की अगेंस्ट यूज करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे सेफ नहीं है पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मीर जाफर है वो अमेरिकन एजेंट है सब लोग गद्दार हैं आप जो बोलवा दें जो बुलवा दें कि भाई पावर में वापस आ जाऊं हद तक इतनी बेचारी एयर वे बोलने मेहनत की हो रहा है। बट इमरान खान सिर्फ अपनी ईगो छुपाने के लिए ये तो नहीं बोल सकते थे कि मैंने जलसा एंड किया क्योंकि मुझे फोन कॉल आई या लोग कम है ये बात थोड़ी कर सकते थे तो उन्होंने हीरो बनने के लिए क्या बोला कि भाई प्रोटेस्टर्स के पास पिस्टल्स थी वायलेंस ना हो इसलिए मैंने जलसा एंड कर दिया तो आप जब खुद आके कह रहे हैं कि मेरे सपोर्टर्स मेरे प्रोटेस्टर्स वायलेंट थे पिस्टल लेकर आए हुए थे और मैं नहीं रोकता तो वो लोगों को मार देते तो आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं ठीक कि क्रैक किया ऐसे थोड़ी है ऐसे ही है और उसमें जो कॉन्ट्रोडिक्शन है वो शहजाद साहब सिर्फ आपको या मुझे नजर आ सकती है अगर मैंने टिकटॉक देख लिया खान साहब की वो गाड़ी से उतर के लगाई मुझे नहीं समझ आएगी कि वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा मुझे बस ये है मुझे ये है कि मुझे चाहिए पावर में सबका एक ही है कि वी वांट दिस मैन इन पावर बिकॉज़ ऑल अदर्स आर हींस विच इज यंग पॉलिटिशियन नहीं है जिनकी एल जी में या बीकन हाउस में एक अपील हो बच्चों के अंदर और वो पी के झंडे लेके आ रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते उस तरह से ना बात सिर्फ ये कि अगर आप मैंने अभी फास्ट यूनिवर्सिटी गया था मैंने वहां भी बच्चों के सामने ये बात की मैंने कहा आपका आइंदा लीडर वो बनेगा जिसकी टिकटॉक बन सकती है इट्स नॉट एन ऑन सीरियस आर्ग्यूमेंट उसकी वजह ये है कि मैस कम्युनिकेशन टूल्स ही आजकल पॉलिटिक्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं तो वही नील पोस्टमैन वाली बात इतनी जबरदस्त किताब है टू डेथ और उसमें वो कहता है ये है कि पॉलिटिशियन उस तरह से इलेक्ट होंगे जिस तरह उनका टीवी इमेज है क्योंकि अगर टीवी के ऊपर एक पॉलिटिशियन सच बोल रहा है बट लगता ये ये है है कि ये सच नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोग्रेस इतनी नहीं है उसके अंदर तो आवाम हमेशा एक इमेज पे वो कहता है इट्स नॉट विट यू गिव इट्स यू गिव ऑफ ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन तो टीवी के ऊपर खान साहब कोई झूठ बोल दें मुझे भी लगता है वो सच बोल रहे हैं पता नहीं क्यों बिकॉज इस कम्युनिकेशन यू नो जिस तरह से वो डिलीवर करता है शदीद कन्विक्शन से एक बात को और रिटोरिकल एक बार बार रेपटेशन होती है तो एक लिहाज से जो गॉबल्स था उसका वे भी यही था जब उसने जर्मनी का रेडियो अंडरटेक किया था और उसने उसका एजेंडा ये था कि बार बार हिटलर की जो ग्रेटनेस है उसको प्रोजेक्ट करना है ताकि वो नेशनल मेमरी का पार्ट बन जाए तो हम जो कहते हैं ना मैं और आप मजाक करते हैं कि खान साहब के पास कोई नई बात नहीं है करने को ही इज़ वेरी कनिंग ही डज दिस ऑन purpose? वो रिसर्च करके आ सकते हैं वो एक स्पीच भी लिखवा सकते हैं वो नहीं लिखवाते क्योंकि वो बार बार एक बात करते हैं इसीलिए memory का पार्ट बन जाती है और ये deliberately वो करते हैं तो टीवी स्क्रीन के ऊपर सबसे ट्रूथफुल शहबाज शरीफ जरदारी और इमरान खान का comparison कर लें मैं अब भी समझता हूँ कि जो इमेज खान लेकर आता है कि मैं सर उठा के बात कर रहा हूँ चेस्ट जो है मेरी बाहर आई हुई है शोल्डर और बैक जॉर्न पीटरसन जो बात करता है बड़ा एक कॉन्फिडेंट इमेज है फिर इसराइल का पी एम आयाबली में मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ मेरे हाथ में पर्ची नहीं है मैं टांग पे टांग रख के बैठा हुआ सामने तो एक प्रोजेक्शन जा रही है मैन की तो उसमें वो कुछ भी कह देगा उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा कोई पैराडॉक्सिस को नहीं नोट कर रहा कि कहा से कोलाइड कर रहे हैं आपस में बिकॉज इट्स आर प्रोजेक्टिंग ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन सो दैट इज वाई डोमिनेशन सीक्रेट ये है कि वो सोशल मीडिया पे टीपेल नहीं, yeah, like, तो नहीं, नहीं, नहीं जो उनको आता है वो, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो इतने बेवकूफ नहीं उन्होंने है उन्होंने गॉबल्स पड़ा हुआ है की भाई एक झूठ को इतना बोलो की वो सच हो जाए दो हजार चौदह में जावेद हाशमी ने पीटीआई के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने छोड़ी और उन्होंने बोला कि भाई इनका प्लान ही ये था

All that helps. अब अमेरिका की हम बात करें जे के और रिंक वॉज डिबेट लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो जे एफ के जीता है इसलिए क्योंकि जे के ने मेकअप लगवाया रिचर्ड निक्सन ने नहीं लगवाया और वो टीवी लाइट्स में उसका पसीना इतना आ रहा था कि क्या हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इसको पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने ट्वीट किया शहबाज शरीफ के एड्रेस के बाद की ये बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर की नहीं है बॉडी लैंग्वेज

आप अगर उस चैनल का ये इंटरव्यू निकाले ना तो उसके ऊपर और नीचे सारी फिल्में पड़ी हुई हैं कोई न्यूज मीडिया की बात ही नहीं है और उसने कहा कि सलमान इकबाल जो ए आर वाई को मैनेज करता है पाकिस्तान में एच बी ओ की डिस्ट्रीब्यूशन है किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू सो ही सेट दैट इंटरव्यू अप द वर ऑल प्लांटेड एंड इट वॉज ऑल यू नो काइंड ऑफ प्री कंसीव्ड वो सब सोचा हुआ था पहले ही उन्होंने और एक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर बैठ के न्यूज मीडिया का इंटरव्यू कर लिया सारे नाच रहे हैं किसी को पता ही नहीं क्या हुआ है

और जो ये प्रोजेक्शन हो रही है कि कभी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं कभी इमाम महदी का जिक्र करते हैं अपने ट्वीट्स में ऑल दिस इस्लामिक आइडियाज या जो जलसे की क्लिप्स भी आ रहे होते हैं उसमें अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू चल रहा होता है और पीछे से एक एंगल आता है कि इमरान खान खड़ा हुआ है और लाखों लोग उसके सामने खड़े हुए हैं दे आर वेरी यूजिंग दिस रिलीजियस पोर्ट्रेयल एंड दिस रिलीजियस इमेजरी टू प्रोजेक्ट इमरान खान एज बीइंग लार्जर देन लाइफ और बीइंग मोर देन अ ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली exactly. मतलब वो एक एक सुपरमैन वाली जो प्रोजेक्शन चल रही है वो एक मैं भू, मैं भूल गया हूँ वो एक एक कुरान मजीद की एक आयत है वो इन्होंने ना हर जलसे के लिए सेट की हुई है आप नोटिस कीजिएगा कि वो वो क्या उसका नाम है वो जो बड़ा डिबेटर है इनका वो जो अनाउंस भी करता है इमरान खान साहब जावेद खान पाकिस्तान की शान है हाँ हाँ वो फैसल जावेद तो फैसल जावेद साहब हर जलसे के शुरू में वो आयत पढ़ते हैं और उसमें यह है कि और तुम में से जो कॉमें बादल के खिलाफ खड़ी नहीं हुई वो बर्बाद हो गई तो उसकी एक लूज अंडरस्टैंडिंग ये दे रहे होते हैं वहां पे कि कुरान हमें ये अथॉरिटी दे रहा है कि हमने ये तमाम जो चोर और गद्दार और झूठे हैं इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी है और वो कहता है अपने जल्सों में ये सियासत नहीं है, जहाद है, ये जहाद है ये जहाद है ये जहाद है जहाद की डेफिनेशन भी वैसे स्टेट की तरफ से डिफाइन होती थी अब अभी अब एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है जो कि पावर में नहीं है इस टाइम और फिर उसके बाद में वो तलावत ख़त्म होती है और फिर वो ईकन अबा याकन अस्तिन पढ़ते हैं उसके बाद में शुरू होते हैं सो इट्स अ कम्प्लीट एडवर्टीज़मेंट पैकेज उसमें यह है कि एक रिलीजन की भी एक डोज है छोटी सी छोटा सा नेशनलिज्म है कि जलसे में तराना सुना सब उठ के खड़े हो गए और अपनी पार्टी के झंडे नहीं लेके आने पाकिस्तान के झंडे लेकर आने और एंड पे गाना भी सुना दिया आपने जिसमें बनेगा नया पाकिस्तान ईसा खेलवी का साज बज रहा है वो भी गा रहा है इबरार भी गा रहा है सब नाच भी रहे हैं तो एक कम्प्लीट एडवर्टीजमेंट पैकेज है और ये इतना मैग्निफिसेंटली इंजीनियर्ड है कि मैं नहीं समझता कि कोई और पार्टी इसको समझ भी रही है कि ये हो क्या रहा है क्योंकि अब भी शहबाज शरीफ साहब अखबार के मेन पेज पे इश्तेहार दे रहे हैं अपनी करतूतों का उससे कोई फायदा नहीं होता भाई कोई अखबार नहीं पढ़ रहा आज जो हाथ में चीज है वो सारा कुछ है उस पर उनका फोकस नहीं है तो हमें तो ये नजर आता है कि ये आगे भी इस तरह से मैनिपुलेट करते जाएंगे बिकॉज मैसेज आर ब्लडी डम्ब उन्होंने कभी भी मैसेज ने यह साबित नहीं किया कि हमें प्रोपागेंडा से लड़ना आता है सिटिंग डक्स होती हैं हमेशा बेशक वो जर्मन हो इटालियन हो अमेरिकन हो कोई भी हो बट यहाँ पे तो अवाम मोर देन अवाम बींग जाहिल आई थिंक अवाम को जान के जाहिल रखा गया है तो खान साहब भी जो फायदे उठा रहे हैं ये वही डॉगमा है जो आपने ठूस ठूस के भराया है ये सोच करके हमारा फायदा होगा मुशरफ की जो प्रोजेक्शन हो रही होती है वही हो रही होती है इमरान खान की प्रोजेक्शन जो हिस्ट्री बुक्स में आपने जियाल के बारे में लिखा हुआ है वही चीज वो इस्तेमाल करके अपना तमगा चमका रहे होते हैं तो इट्स नॉट लाइक इज डूंग एनी थिंग नॉवल और न्यू

उसने उससे पहले अयूब का इलेक्शन फातिमा जना के खिलाफ रिक करवाया जलसे में ऐसी बातें भी की कि इससे पूछो शादी क्यों नहीं करती है ठीक है और उसके बाद में आपने नेशनल वामी पार्टी की गवर्नमेंट तोड़ दी क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहे थे तो ये सारी हरकतें अगर मैं उस टाइम होता तो मैं सबसे बड़ा क्रिटिसिजम उसके अगेंस्ट कर रहा होता फिर आगे चले अगर मैं एटीज में होता मैं जिया के खिलाफ ये बातें कर रहा होता अगर मैं नाइन्टीज में होता तो नवाज शरीफ मेरा फाशेस्ट विलन होता क्योंकि वो आई बना रहा होता वो पैसे बांट रहा होता वो बेनजीर को बदवाएं दे रहा होता हेलीकॉप्टर से तस्वीरें पिकवा रहा होता डीम कर रहा होता उसको और उसको टॉन्ट्स कर रहा होता तो मे मेरा विलन वो होता उस टाइम पे बाईस में मेरा विलन इमरान खान है और इसका ताल्लुक इसलिए नहीं है कि मैं पटवारी रही हूं या मैंने कोई लिफाफा पकड़ा हुआ है उसका ताल्लुक इस चीज से है कि ये एक ऐसी कंसिस्टेंसी है कि हर पॉलिटिकल लीडर हर डेकेड में उठ के ऐसी एक हरकत करता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के चला जाता है अब हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कॉन्शियसनेस को रेज करना चाहिए दैट इज वाई वी अज मैन अदरवाइज मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ वगैरह के पास कोई प्लान नहीं था अब भी वो दो हिस्सों में बढ़ी हुई पार्टी है वो कोई चीज पूछने के लिए सारी कैबिनेट जहाज पे बैठ के लंडन जाती है नवाज शरीफ साहब से ब्रीफिंग लेती है फिर वापस आती है अजीब जोक बनाया हुआ यार आपने आपकी शेडो कैबिनेट ही नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए हैं शेडो कैबिनेट है ही नहीं बाद में गवर्नमेंट आ गई है एक हफ्ते तक कैबिनेट डिसाइड नहीं हो रही पता ही नहीं वजीर कौन बनेगा पीपल्स पार्टी कह रही है हमने कोई वजारत लेनी नहीं है बाद में आप किसी और को बुला रहे हैं पहले फजल रहमान प्रेजिडेंट बनना था फिर उसको नहीं बनाना उसके बाद में पंजाब में जो सारा कुछ होता रहा है, वो भी आपके सामने है कि अजीब रेस लगी हुई थी और अब इनके पास 2017 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो ई वी मशीन है ये नून लीग की तरफ से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर आया था कि ये ई को लाना चाह रहे थे 2017 का जो इलेक्शन कमीशन का अमेंडमेंट बिल है उसमें नून लीग कैरी थी ई आनी चाहिए अब इनको ये थ्रेट नजर आ गया कि सारा पी का बार का वोटर वोट कर देगा और तकरीबन चालीस से पचास सीटें उस पर अफेक्ट आएगा जो अपर पंजाब की हैं गुजरा वाला लाहौर उकाड़ा मुल्तान वगैरह तो उसमें वो देख रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ हो सकती हैं तो फिर उसको कह रहे हैं कि रिफॉर्म करना है तो वो भी अजीब सी पॉलिसी है पहले टू माइंड्स में आप जरदारी साहब कह रहे हैं कि सिंध असम्बली को मैं आखिरी दिन तक वहां पर अपनी पावर रिटेन करना चाहता हूं इसीलिए आगे बढ़ाओ इसको चलाओ ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो नवंबर से पहले भी जा सकती है नवाज शरीफ की जो पूरी टीम है ऐसन इकबाल ख्वाजा आसिफ ये सारे सागदार वगैरह ये सब चाहते हैं अभी फ़ॉरन इलेक्शन हो शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी बनी हुई है तो कोई क्लैरिटी नहीं है कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है एक बंदे की अपॉइंटमेंट के लिए पूरे मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं आप लोग ये मुझे लगता है तो ये कौन सी कॉम्पिटेंस है कि मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करूंगा नून लीग को करूंगा इसीलिए मैं खान के खिलाफ हूँ उनके पास भी कोई प्लान नहीं है हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपका मसीहा भी फेक है और हमारा कोई पॉइंट नहीं है ये बातें करने का। मैं आज कर रहे वो तो बहुत बड़ी आपने लीक की है यार। <laughs> खान साहब की लीक रुक गई मेरी कर दी आपने <laughs> देखे यार खान साहब के वादे करके आमिर लिया नंगा दिखा दिया कॉम को ये होता है हमारे साथ <laughs> पे आना था वो भी नहीं आया uh, लोगों के बहुत सारे सवाल थे मैं तो पूछता ही आपसे एक्चुअली गेट सम फ्रॉम पीपल गुड और बैड डेमोक्रेसी अच्छा ये रैपिड फायर करते हैं आई तो नो आपके पास वक्त भी कम है और सवाल तेरह पेजेस के बैड डेमोक्रेसी

Uh, देखिए आप जितनी भी गालियां दे दें पी एम एल को पी को मे uh, बी उन पर कंट्रोल ज़्यादा किया जा सकता है अगर मीडिया को अब आप फिफ्थ स्टेट का पिलर समझते हैं तो एक आज़ादी है इमरान खान के टाइम पे तो वो भी नहीं थी ना मीडिया भी मजल था जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती थी तो जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है बाकी सारे इदारे बाकी सारे चेकस एंड बैलेंसेस जो सिस्टम का हिस्सा हैं वो सारे uh, न्यूट्रल हो जाते हैं न्यूट्रल नहीं न्यूटर हो जाते हैं सो एटलीस्ट इन बैड डेमोक्रेसी चीजें आगे तो बढ़ती हैं आप एक क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं आप, आप चाहें तो उनको गालियां भी दे सकते हैं ये अली आफ्ताब सईद ने जब पीटीआई की कमेंट आई थी बड़ी अच्छी बात की थी मुझे कि पहले ऐसा होता था कि पी एम एल एन पी 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 कुछ बुरा करते थे तो हम गालियां तो दे सकते थे अब ऐसा है कि पी टी आई के, के टाइम में जुल्म भी करते हैं फिर गालियां भी नहीं देने देते ऐसा तो ना करें जी मुजम्मिल मैंने अपने भाषण शुरू किया गुड और डेटोक्रेसी हाँ तो उस पर यह कह रहा था कि बैड डेमोक्रेसी जो है अगर वो इन प्रिंसिपल चल रही है और सेपरेशन ऑफ पावर है वहां पे जो एटोक्रेसी में नहीं होती जो की थियोरी है तो अगर वो काम कर रही है एक मशीनरी तो वो बुरी भी हो तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ करेक्ट करके ठीक हो जाती है इसीलिए बैड डेमोक्रेसी है लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ हाइब्रिड रजीम बन जाती है जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स ने पाकिस्तान को डिक्लेयर कर रखा है सो बैड डेमोक्रेसी वुड हैव बीन वे बेटर देन दिस हाइब्रिड डेमोक्रेसी और एनी एवोल्यूशन का पता नहीं क्यों हम इंतजार करते ही नहीं है अगर हमारी टांगे टूटी भी हैं तो रीहेब करके टांगे चलेंगी ना आप वो रीहेब शुरू करता है दो महीने बाद बोलते हैं देखा ये तो चल ही नहीं सक रहा है उसको वापस पे बिठा दो। फिर तीन साल बाद गुड पीरियड फॉर पाकिस्तानी जिस कॉपी डेवलप डेवेलप्ड होगा डेवेल्प्ड नेशन डेवेलपमेंट हाउ विल कल्चर एंड सोसायटी इस वक्त तो आप कुछ भी कॉपी कर लें यार तो बेहतर हो जाएगा कल्चर <laughs> एंड सोसाइटी का क्या ताल्लुक डेवलपमेंट से सही बात है मतलब लेकिन कह सकते हैं कि वो जिस तरह से एक ओपन सोसाइटी बनानी होती है जैसे जापान ने जर्मनी ने बनाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से तो वो उस ट्रैक पे चलते चलते कहीं पहुंच गए दे बिकम वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड क्योंकि उन्होंने एक लिहाज से कॉपी पेस्ट कर लिया सारी जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी थी उसको तो अफेक्ट उसका अच्छा आ गया लेकिन हमारा तो ये है कि हम तो एक हमारा हाइब्रिड मॉडल है हम तो कहते हैं को हमने साइंस के साथ मिक्स करना है ठीक है यूनिवर्सिटी बना दो इसके ऊपर और ऐसी बातें करनी है तो हमारी डायरेक्शन ही सेट है सुना था और उसमें बच्चे सिर्फ पंद्रह पढ़ते हैं अभी तक बाकी फंड कहाँ गया किसी को पता नहीं है और दूसरी बात यह है कि लॉ के ऊपर कंसेंसस जरूरी होता है तो हमारे यहाँ पे तीन लॉज हैं आदि ट्राइबल परेफरीज पे हैं वहाँ कुछ लोग शरिया को बेहतर समझते हैं बाकी आप आगे आए तो कस्टमरी लॉ को अच्छा समझते हैं जिसमें ट्राइबल लॉज हैं पंचायत सिस्टम है तीसरा आके आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसीलिए जब आयन टूटता है तो लोग कहते हैं सरप्राइज है ये खान साहब का बिकॉज दे डोंट नेचुरली बिलीव इन इन दिस लेजिटिव प्रिंसिपल जिसके लिए कौमी गले कटवा लेती हैं अपने सो so ये कन्फ्यूजन को जब रूट आउट करेंगे तब डायरेक्शन सेट होगी अभी तो कन्फ्यूजन ही बहुत ज्यादा है इसमें शाहराम अजहर बहुत अच्छी बात करता है ही इज प्रिंसिपली अगेंस्ट कैपिटलिज्म वो बट वो कहता है कि भैया अगर आपने सोसाइटी बनना है तो कैपिटलिज्म तो सही करें हम वो भी सही नहीं कर सकते वो भी सब्सिडीज जिनको जाती हैं जहां जाता है आ, अगर कोई अपनी फैक्ट्री लगाना चाहे और कनेक्शन ना हो तो उसका तो अगर आप कैपिटलिज्म करना चाहते हैं आप साउथ कोरिया को देखें बोले यार कैपिटलिज्म में ये ये मसले हैं बट ये ये फायदे हुए वहाँ पर यहाँ पर तो ऐसा है कि आप टूरिज्म की बात करते हैं और फिर अभी कल परसों किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी कोई टर्किश औरत तरह पंजाब में ही होगा कराची में तो कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है वो तो जाने की कोशिश कर रही थी एक हजूम आया मर्दों का उसके बाद जो हुआ मुझे कहना है 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 वो वो पुरानी मेरा ख्याल पिछले साल की है, की लाहौर मेट्रो बट इस तरह की जब हरकतें होती है फैलाना चाहते हैं थ्री टार्जन पे तो पूरी पुलिस फोर्स सर... एक बारह साल के बच्चे को अरेस्ट करने के लिए जिंदा हो जाती है बट इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं नॉट टू से वेस्ट में नहीं होते नॉट टू से हम ही सिर्फ ब्राउन सवेजेज ऐसे हैं बट अपना थोड़ा दुरुस्त करें बिफोर बीइंग लाइक हम टूरिज्म से मुल्क चलाएंगे सर बड़ी कंट्रोवर्शियल एक छोटी सी बात कर दूं, जल्दी से कि यूएई को और समझ आ गई। आ, को और, और को समझ आ नहीं चल सकता मुझसे लोग पूछते हैं कॉमेडी क्लब्स क्यों नहीं चलते पाकिस्तान में ना सीधी बात है कॉमेडी क्लब तो वैसे पैसे बनाते हैं यहाँ पे क्या आपको पता है वो वो ट्रेल 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 जो जो थी जो थी बिल्कुल में वो मतलब क्या करते थे आके वो यहाँ पे कोई जमात कराने तो नहीं आते थे तो, तो यही चीज है कि आप नहीं समझते इस बात को तो ठीक है अभी हुनजा के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं उसके आसपास गिलगित में भी हुए हैं लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे आके लोग फाशी फैला रहे हैं ठीक है खत्म कर दो सब बंद कर दो खैर वहां पर तो एक अलग मसला है वो लोग जाके जमीनें खरीद लेते हैं कचरा फेंक वो देते हैं द अब, है, हाँ, अब इन्होंने होटल्स थे, के ठेके फेंक्रीट दी वो हमेशा से हो रहा है यार इवन वो जो चित्राली फेस्टिवल होता है एंड दैट इमेज ऑफ द चित्राली गर्ल जो हम हर जगह प्रोजेक्ट करते हैं आप टिकटॉक पे देखें आप सोशल मीडिया पे देखें कोई कंसेंट नहीं लेता उनको लगता है ये पब्लिक डिस्प्ले पर है जो वो चित्राली लड़कियां होती हैं और वो बारह तेरह कर रहे होते हैं सब उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं बगैर कंसेंट के और उनको लिटरली लग रहा होता है ये हमारे डिस्प्ले के लिए खड़ी हुई है और उसमें जो मीम्स बनती है वो तो चलो कुछ लोग कुत्ते लो, के बच्चे होंगे जो बनाते हैं बट इन जनरल कर रहे होते हैं हेरास कर रहे होते हैं उनकी वो, वो है। करता एक करता एक है, तो बेसिक चीज जो उनकी बैरीज लगी हुई होती है लोगो के घरों से तोड़ लेते हैं पता नहीं इनको लगता है कि ये पूरी ही हम हम अगर हंजा टिकट लेकर आ गए तो ये पूरा ही हमारा है

आप मैं आपसे सवाल पूछूं पूछूं जी जी क्या यार? क्या यार आप सिंगल हैं जब आप बात करते हैं ना कि आप सिंगल हैं या आप सिंगल नहीं है जरा अपने गिरबान में झांक के देखें वो जो अमेरिकन <laughs> हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं वो इसलिए है क्योंकि वो पढ़ते हैं लिखते हैं ना आपके पास एजुकेशन है ना आपके पास स्कूल्स हैं इन्वेंट आपने कुछ किया नहीं फिर आप बोलते हैं अमेरिकन की गर्लफ्रेंड्स क्यों हैं और हमारी गर्लफ्रेंड्स क्यों नहीं है यार यार हो, हो गया यार बस बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ हु यू 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 आर आर नीचे कहता है सिंगल लिव इन द डार्कनेस ये वही अंधेरा है जिसमें आप जिंदगी गुजार देते हो यू आर बाउंड टू स्टे इन द डार्कनेस एंड यू आर बाउंड टू स्टे अलोन टिल आप ये फिलॉसफी नहीं फॉलो करेंगे तो आपने पढ़ना नहीं है कुछ करना नहीं है अमेरिकन को गालियां देनी है और खुश होना है कि ठीक है हम उनसे बेहतर हैं देन यू विल स्टे सिंगल

आज की जिंदगी को अपने नाव को ठीक करने के लिए आपने अपना पास्ट देखना है और इस रियासत ने आपसे हिस्ट्री को हमेशा से सेंसर करके झूठ बुलवा के और पाक स्टडी का कल्चर प्रमोट करके आपको जिया को मरद मोमिन मरदे हक बना के पेश किया है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर जिया को सही तरीके से दफनाना है जो अब तक वो दफन नहीं हो सका आज भी जिंदा है असल में बुटोनी जया जिंदा है तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि उसने ऑब्जेक्टिवली किया क्या था फिर सब ठीक हो जाएगा आहसा आसता आप और मैं दोनों ये हमेशा अक्सर यूज करते हैं कि आयशा जलाल ने जब था कि रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी मैं लिटरली इस तरह की बात की थी कि जो लोग बच्चे हैं जो आई डोंट थिंक एवरीबडी इज नट्स समटाइम बच्चे बातों में आ जाते हैं प्लीज अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस ना करें uh, वो लोग जो आपने ग्रैंड मॉस का जिक्र किया वो बेचारे उनमें से भी कुछ लोग अरेस्ट हो गए

मैंने कहा कि वो जो लोग कहते हैं आज़ादी की जंग मैंने कहा जंग जो है वो एम्पेरियल एनिमी के साथ होती है आपके तो खरोश भी नहीं आई किसी मुस्लिम लीगर को आपने तो कॉन्टेस्टेशन से बात करके और उनके नैरेटिव्स को टो करके ले लिया बस ठीक है लेकिन जहां तक तो ये बात है कि ये, ये वाली बात करना है कि यार जो अभी पहले हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स वाली और ये सारा उसमें यही है कि हिस्ट्री छीनने वाली बात इसी तरह है कि अगर अवेलेबल नॉलेज नहीं होगा हम तो ये कहते हैं कि बेशक बिजनेस करे स्टैब्लिशमेंट बेशक बेशक डी एच ए बनाए सारा कुछ करे एक चीज से पीछे हट जाए जो जिया ने आके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने की कोशिश की थी वो ये थी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत इफ दे रिट्रीट फ्रॉम आइडियोलॉजी आई थिंक एवरी थिंग वुड बी फाइन क्योंकि आहिस्ता आहता नॉलेज अवेलेबल होगा डिबेट ऑरिजिनेट होना शुरू हो जाएगी हुँ. और सभी एक अच्छी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे क्योंकि जब सच बताओगे लोगों को तो उनको समझ आ जाएगी कि विलन कौन है हीरो कौन है

you know now we're openly talking about the role of establishment i think eventual winner establishment ye aap inhi politicians ko gaaliyan denge aur aage badh jayenge establishment is established which is why they're not going anywhere zero sum game hai na sab bure ho gaye shabaz bhi farig wo bhi farig sab farig jeeta kon aap soch le talks with ttp ye sawal nahi hai bas ye teen loves hai i know what you will say talks with ttp well already ha wahi na वो तो पता ही है चार हजार फाइटिंग स्ट्रेंथ है उनकी लेकिन रियासत ने घुटने टेक दी हैं और यही है कि वो एक एक्सक्यूज था मिलिटराइजेशन का जिसको आपने खुद यूज किया और आपने कहा कि ये हमारे खिलाफ है मैं नहीं समझता वो कभी पूरी तरह से खिलाफ थे बिकॉज दे आर द सपोर्टर्स ऑफ अफगान तालिबान अफगान तालिबान किसके साथ हैं वो आपको पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है नहीं। तो एक एक्सक्यूज था जो अब हमेशा की तरह बाउंस बैक कर गया अब करें बातें उनसे लेकिन जो पश्चून है जो far areas में बैठे में, फाटा में बैठे हुए नींदे उनकी हराम हो रही हैं। लाहौर कराची वालों को शायद इतना फर्क न पड़े लेकिन टी टी पी के साथ एग्रीमेंट होगा जिसमें शरिया के नफाज की बातें उनकी तरफ से दोबारा से सुनने को मिल रही हैं, तो फिर उन इलाकों में धमाके और लैंड माइंस बेचेंगी और नुकसान हमेशा से उन्हीं लोगों का हुआ है मेरा आपका शायद ना हुआ हो मैंने तो अपनी एक्स को इतना ही ट्रस्ट किया जितना पाकिस्तान टी टी पी को ट्रस्ट करता है

<laughs> यार उसमें फेसबुक तो काफी पहले से पीछे लगा हुआ मेरा असल में जब टीएलपी का वो धरने हुए थे उस टाइम स्ट्राइक थी थी क्योंकि बहुत रिपोर्ट हो रही थी, एक दो वीडियोस मेरी वाली। तो, अब ये है कि तो बस क्या कह सकते हैं जिंगर बर्गर साहब मेरे पीछे लगे हुए हैं तीस दिन की जेल में कैद किया हुआ उन्होंने मुझे अभी मुझे

एक लजिटमेसी को चेक करना हो तो ये देखना चाहिए कि वहाँ पे डिसेंट करने वाले कितने हैं और उनको कितनी फ्रीडम है वो करने देने के लिए तो अमेरिकन स्टेट इसीलिए शायद बाकीय से बेहतर परफॉर्म करती हो क्योंकि उनके पास की है जो गालियाँ देता है अपनी स्टेट को उनके पास न्यूयॉर्क टाइम्स है जो खुद छापता है कि लास्ट ड्रोन अटैक जो किया नेटो ने अफगानिस्तान ने वो सिविलियंस को मारा उनको आज भी आज़ादी है वो सब बोलने की तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये फ्रीडम का कल्चर है और एक डिबेट चल रही है ना माशरे में तो फिर शायद कुछ ना कुछ निकला है उससे लेकिन सब अगर एक आइडिया में कन्वर्ट हो गए और सेंसरशिप रही तो फिर तो कोई होप नहीं The the only thing that makes me really hopeless about the future is is, how how morally bankrupt Pakistan's elite is and how controlled uh, our proletariat is. तो वो मासेस बेचारे उनको इतना गरीब रखा है और इतना ऑन द ब्रिंक रखा है कि मोस्टलोज हायर की नीड्स की अगर हम बात करें उनको यही नहीं पता होता मेरी अगली रोटी अगला मील कहाँ से आ रहा है मेरे बच्चे भूखे सोएंगे मरेंगे yeah. तो वो क्या पोलिटिकली एक साथ बैठ Uh, 24 मिलियन बच्चा स्कूलों से बाहर है द बिगेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आज के मिस्टेक ऑन फ्री विल अदील आकिफ हमारे रेगुलर लिसनर हमारे रेगुलर लिसनर आपसे पूछ रहे हैं फ्री विल है फ्री विल <laughs> यार अब ये तो बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी टाइम भी कम है इस टाइम लेकिन बात ये है कि मतलब इसको इसको अप्रोच करने के काफ़ी वेज हैं एक तो एक एक आप बायोलॉजिकली कर सकते हैं साइंस के लेंस से कर सकते हैं फिलोसॉफिकली कर सकते हैं रिलीजियस लेंस से कर सकते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं नैरो डाउन करना पड़ेगा मुझे लगता है कि नहीं टोटली होता उसकी वजह यह है कि अब जो लेटेस्ट डी एन ए भी, भी रिसर्च आ रही है तो आप मुझे नहीं लगता कि हम जो है वो कोई ऐसी फैकल्टी अपने दिमाग के अंदर से ईद कर सकते हैं जिसके हम बेसिकली नहीं थे नीचे भी कहता है कि आप उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल मेकअप की प्रोजेक्शन होती है पहले जो नफसियात आपकी होती हैं उस तरह का फलसफा आपको समझ आता है उस तरह के इंसान बनते हैं तो नफसियात जो है वो इंसान ले के पैदा होता है तो मैं समझता हूँ नफसियात तब्दील नहीं हो सकती इसीलिए कम्प्लीट फ्री विल मुझे समझ नहीं आती कैसे हो सकती है क्योंकि जो हमें कुदरत की तरफ से मिला है नेचुरल सिलेक्शन की तरफ से जो हमारे पे असरात हैं हमारी नफसियात पे इसी तरह जो जिसका फ्रंटल कॉर्टेक्स मुख्तलि तरीके से काम करता है तो फ्रंटल कॉर्टेक्स के काम करने के ऊपर भी ये होता है कि आप रिलीजियस होंगे या नहीं होंगे इतना बड़ा फर्क है तो मैं समझता हूँ और नफसियात की जो दुनिया है वो हमें ये बताती है कि शायद फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती ये भी जो लोग हैं ना जो ऑनलाइन जाते हैं इज पसोड़ी आई डोंट लाइक ये भी आप जो अपने जहन में आपको लग रहा है ना कि मैं शीप की तरह नहीं हूँ मैं अलग जा रहा हूँ

वैसे तो ये वाइट हो गई है, दो चार तो है, है, फोन हाँ, तो तो उठाया जाएगा।, जाएगा हाँ वो ठीक है लेकिन बे, बे, बेसिकली मुझे लगता है कि मतलब जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और मैं अक्सर जगहों पे बैठ के मैं कोई फ्लैटरी नहीं कर रहा लेकिन अब सवाल हो गया तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी तो उसमें ये है कि अगर आपको ये पता है कि किस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस करना है उसके मीनिंग को यूफेमिस्टिक मिस्टिक छुपाने में तो फिर कम ट्रबल में आप पढ़ेंगे मेरा ख्याल है तो मैं अक्सर जगहों पे बैठ के ऑन एयर भी टीवी के ऊपर भी यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स में ऐसी बातें कर देता हूँ कि लोगों को उस टाइम समझ नहीं आती क्या बात कर चुके हैं ये जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली एक जगह पर बैठ के कहा कि तीन साल वाले बैठे रहते हैं पाँच साल वाले जो है दो तीन तब्दील हो जाते हैं किसी को समझ नहीं आई उस टाइम क्या हुआ था तो ये है कि एक लैंग्वेज का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा मुझे लगता है कि मैं एल से नहीं हूँ शुरू से लाहौर का बड़ा एक जो है वो कहना चाहिए कि जो लोअर क्लास एरिया है वहाँ पे मैंने स्कूलिंग अपनी मुकम्मल की साउथ पंजाब बिहाड़ी से मेरा ताल्लुक है तो मैं हमेशा से उस जो है वो मैथ के अंदर अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ जिससे आप लोग महसूस करते हैं अगर आप एलिट का हिस्सा हैं क्योंकि आप उनसे कभी मिले ही नहीं आपने देखा ही नहीं कि वो आपकी बातों पे कैसे रिएक्ट करेंगे इसीलिए आप खौफजादा हैं क्योंकि जहाँ भी स्मोक स्क्रीन आती है आपके सामने खौफ आ जाता है तो मैंने क्लैरिटी से पाकिस्तान की जो एक सुन्नी माइंड सेट है एक सलाफिज्म की जो कैंपेन थी उसका जो असर हुआ है लोअर क्लासेस के ऊपर जो कि बड़े वायलेंट भी इमोशंस उन, उनके अंदर हैं मैंने उनको वन ऑन वन फेस किया हुआ देखा हुआ तो मुझे शायद उस वजह से एक एडवांटेज है दैट आई नो व्हाट टू से व्हेन टू 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 से एंड होम टॉक

अर्बन uh, कराची आप पंजाब के हैं जबरान नासिर पंजाबी है दो कराची में रहता है ईमान uh, मजारी डॉटर कुछ ना कुछ जिसके पास जो प्रिविलेज है दे कैन गेट अवे विद अ लॉट मोर नॉट टू से हमारे साथ नहीं हो सकता अब जिस तरह ईमान मजारिया हाउंड हुई जा रही है बहुत ही ज्यादा ज्यादती है श्री मजारी तक उठा ली गई तो होने को कुछ भी हो सकता है बट

उसकी वजह है कि मैंने वो खुशाब में एक अहमदी की वीडियो बना दी सलमान तासीर पे बना दी बलोचिस्तान के ऊपर रिसेंटली वीडियो बनाई है काफी वायरल हुई थी तो कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसमें सिर्फ चाहता हूँ क्रिएटिविटी हो भले आप लोग चाहें मुझे मारने की वीडियो थोड़ी क्रिएटिविटी फोटोशॉप करो मेरा सर इस्तेमाल करो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सर कटे ऑर्क्स यूज कर रहे होते हैं प्लीज यार प्लीज बी बेट क्रिएटिव किसी ने भी पूछा था आई कभी फोन वोन आए? फोन वो आया तो यार सब बता दूं क्या आपको? to sit फॉर द sign a न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी Why नॉट स्टार्ट एन एक्चुअल रेवोल्यूशन जब एक पार्टी पॉलिटिकल इन द टर्म्स ऑफ हाउ पॉलिटिक्स इज डन इज नॉट पॉलिटिकल

नहीं वो आप फैक्ट्स देख लेना ओपिनियन को ना देखें आप ग्रोथ रेट देख लें बांग्लादेश का वहाँ पे खात की लिटरेसी देख लें उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट रेशो देख लें इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ढाई सौ अब की है, एक साल की है, उसको अपने आप से कंपेयर कर लें तो बाकी सारा कुछ पता चल जाएगा मेरी अपनी ओपिनियन को ना देखें फैक्ट्स देख लें आपको जवाब मिल जाएगा इसका इवन जो हम आ, एक मेंटालिटी बनाते हैं कि बड़ी हमारे साथ ज्यादा हुई और बिल्कुल हुई भी नहीं मिली सब हुआ बांग्लादेश के साथ भी वही ज्यादा हुई हैं उसके बाद और ज्यादियाँ हुई जो हमने उधर की

Never being invaded or being held by a foreign power leads to a successful nation building project like USA versus the Indian subcontinent, uh, particularly Pakistan. वेल आई डोंट थिंक देर इज एनी पैटर्न टू दैट कि आप इन्वेड हुए हैं या नहीं हुए उस टाइम पे बेशक वो जब एम्पायर का दौर था एक्सप्लोर्टेशन तो बहुत ही ब्रिटिश मार्किट टाइल चलता ही इस पे था कि चोरी करो वापस लेके जाओ वहाँ वहाँ पे वेल स्टैगर कर लो तो उससे तो कुछ कंट्रीज रिकवर भी किए हैं मैं जापान की जिस तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मतलब रोशमा हो गया वो फिर भी रिकवर कर गए और बड़ा कुछ हुआ इसी तरह चाइना को कॉलोनाइज किया हुआ था जापान ने मंचूरिया क्राइसिस की तारीख पढ़ लें आप चाइना भी कहाँ पर जा रहा है आप देख लीजिए तो कोई पैटर्न नहीं है ये ये बात ये है कि उससे रिकवर होने के बाद आपकी नेशनल डायरेक्शन क्लैरिटी के साथ डिफाइन हुई है या नहीं हुई हमारी नहीं हुई हम कंफ्यूज थे इसीलिए आज तक तो और रहेंगे इस तरह इन द लाइट ऑफ द करेंट इकोमिटीज वी ऑप्शन उनके लिए यही है कि एक तो जो एक हार्ड है इंजीनियर डॉक्टर बन जो इसके अलावा नहीं बनना उससे बाहर निकलें और ये देखें कि चेंजिंग ट्रेंड्स क्या हैं वो डार्विनियन प्रिंसिपल है ना कि दुनिया जितनी तेजी से चेंज हो रही है अगर इस बैंड वैगन में ना बैठे तो फारिग हो जाओगे तो आप देखें कि डिजिटल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आपके पास फ्री लांसिंग की दुनिया कितनी बड़ी है क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है आपके लिए ना अभी वो मैंने कोड भी किया था अपनी वीडियो में कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उसके चेयरमैन ने कहा था कि देर आर नो जॉब्स लेफ्ट इन द मार्केट चेयरमैन कह रहा है कि इंजीनियर ना बनो तो ये चीज है कि आप एनालिसिस करें अच्छा

पाकिस्तान के अंदर तो रिसेंटली कोई इतना ही पोलिटिकल साइंटिस्ट जिसका मैंने बताया कि एक दो मुझे अच्छे लगते हैं उसमें वो हमजा अलवी साहब हैं और क्या कहना चाहिए आयशा सदीका पोलिटिकल साइंटिस्ट बहुत अच्छी हैं मुझे लगता है और इश्तियाक अहमद साहब के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने पोलिटिकल साइंस की दुनिया में पार्टीशन पर तो एक बहुत ही बड़ा उनका जो है ना वो कॉम्प्रसिव एस मेरे साथ बस अच्छा काम नहीं किया उन्होंने बुल्ले शाह मेरे एक्चुअल फेवरेट फिलोसोफर हैं सब कॉन्टिनेंट से आप अगर बुल्ले की बातें सुने So I and mean, where the world is right now, Jee. I think Bulla Shah was saying the same thing years ago and saying them beautifully as well. Ah, yeah. as well. There are also a lot of great Bengal Bengal thinkers. Uh, Badal Sarkar, theatre class ko. I think he's, uh, a lot of ideas that he explores in his theatre works are phenomenal. In my opinion, there is any change in society, it has to start from home. How can you reach out to every household? Our home is the worst place.

लेकिन अभी तो बात यह है कि इतने प्रिवलिज में अक्सर खुवातिन को देखता हूँ डिग्रियां भी हैं काम भी कर रही हैं उसके बावजूद वो प्रेस हो रही हैं तो बात यह है कि इंडिविजुअलिज्म लैक करता है ये क्योंकि डेमोक्रेसी का डायरेक्ट लिंक है इंडिविजुअलिज्म के साथ उसके बगैर नहीं आ सकती जहाँ पर किनशिप ग्रुप्स होते हैं बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जहां पर उस पैटर्न पे वोट डल रहा है वहाँ पे अब्बा जी ने डिसाइड करना है कि खानदान के पचास लोगों ने वोट कहाँ देना है

लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाली बात नहीं कर सकता मैं तो मीडिया से भी तंग आ गया और शायद इसको भी छोड़ दूं जल्द क्योंकि इतनी फजूल बातें करनी पड़ती हैं कि जो आम आदमी को समझ आ जाए तो सियासत तो गेम ही वही है कि आम आदमी को लुभाना है आपने उसके खिलाफ बात नहीं करनी उसको करेक्ट नहीं करना जो वो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाई जो तो मेरे से तो होता नहीं है बहुत मुश्किल मेरे भी नहीं है पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि आप कुछ चार अच्छी बात कर लें तो आप पॉलिटिक्स में आ जाएं भी जरूरी नहीं है कि अगर हम दो किताबें पढ़ लेते नहीं सर आप तो भी बन आप आप तो तो फ्यूडल हैं ऐसे ना न वो तो जो क्या होती है वो जायदाद की जो कुर्सी होती है वो है अ उसके जाके <laughs> मैं बैठूंगा प्लीज आस्क हिम हाउ हिज वर्क इंपैक्ट्स हिज मेंटल हेल्थ आई थिंक गुड सेगवे cuz यही बात कर रहे थे आप हाउ डू यू कोप विद इट ऑल कंसीडरिंग कोई ड्रग्स नहीं करते मुजम्मल वेल हाउ डू यू कोप विद इट ऑल उसकी वजह फीलिंग नहीं होती और ना मैं इतना खुश होता हूँ कि यार अब देखो जरा ये मैं ये काम किया मेरा और इतना इन्फ्लुएंस हो गया ये वो तो ये मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म मेरा बहुत ज्यादा है तो कभी कभी आ भी जाता है इस तरह का डिप्रेसिव भी हो जाती है चीज़ें सोशल मीडिया के जो ज्यादा यूज है वो खराब भी करता है आपके दिमाग को स्केप लेने का दिल भी चाहता है तो ऑन एंड ऑफ मतलब रहता है कोई कंसिस्टेंट नहीं है इसमें

ताकि वो हमें कंट्रोल कर सके वेल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है ना ओबीएल बी यहाँ से पकड़ा गया था ठीक है उसके अलावा आपने जो ऐसी बनाई वो दी पाकिस्तान पढ़ लें किताब वो सारी आपको रीजन बता देगी ए टू जी के क्यों ये होता है क्योंकि आपने लाखों लोगों को इस तरह से ना हीरो बना के खड़ा किया अपने पोलिटिकल अजाइम के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए कश्मीर के लिए और बाद में वही आपके गले पड़े agree with you 100 percent but also true the global world order hai, it's designed to keep the first world where it is and the third world where it is Russia, agar you no because be... if you if you don't pursue power and if you lack influence on the global stage you you deserve to be to become irrelevant that's what i think sawal hai. what is the solution to fake news in this day and age of social media algorithms Omar Sumbro, very good question it can't be stopped completely at all Aapki study puri fake news hai. लेकिन बात यह है कि अगर इसको टोटली रोकना है तो इसको स्टेट के अंडर से निकालें पीका लॉ ला स्टेट को डिफाइन ना करने दें फेक न्यूज क्या होती है वरना वो किसी को भी उठा के ले जाएंगे में तो ये बात है कि जिस तरह से ए आर वाई के खिलाफ तीन चार माफिया आई हैं ना ए आर वाई की यूके में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने माफी नहीं मंगवाई उनसे कोर्ट्स ने मंगवाई है लाइबल लॉस को बेहतर करें उसके थ्रू करेक्शन का मैकेनिज्म लेके आए स्टेट के हाथ में छड़ी ना पकड़ाएं क्या आप बताएं फेक न्यूज क्या होती है तीन क्वेश्चंस पे एंड करते हैं एक एक मिनट के जवाब uh, क्या स्किप हो गया फेवरेट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान और अब्रॉड अब्रॉड और पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर टीवी जर्नलिस्ट की अगर बात करें नदीम मलिक बड़े अच्छे हैं ऑब्जेक्टिव लगते हैं और प्रोग्राम अच्छा कंडक्ट करते हैं कोई कभी देखा नहीं है कि वो पार्टीजन ज्यादा हो रहे होते हैं इसके अलावा आजाद सैयद आई रिस्पेक्ट हिम और एक इंसान जो

बड़ा डिटेल सब लिखा हुआ है उन्होंने कमेंट बट अगर एक यूनिवर्सिटी है उनका बजट खत्म हो रहा है और वो सोच रहे हैं हम फिलोसफी डिपार्टमेंट खत्म कर दें तो आप उनको क्यों क्या बोलेंगे जिससे वो वो यूनिवर्सिटी पर सुसाइड कर ले, ले हम ये कहेंगे नहीं वो फिर सुसाइड कर, कर ले उसकी वजह ये है कि कैंपस का पॉइंट ही ये था कि वहां रात पूजा डिबेट जी जी सॉरी वो ना कैंपस का पॉइंट ये था कि वहां पर आप

मोदी ने जो भी बुरा किया हो ये बात ठीक की थी कि ये पता नहीं पाकिस्तान में बात किससे करनी है सेनापति से करनी है या फिर सियासतदान से करनी है ये कहा था उन्होंने तो यही बात है कि एक पॉलिटिकल लीडर के पीछे अगर अथॉरिटी होगी ना तो वो उस मसले को हल करने की पोटेंशियल रखता है लेकिन बात यह है कि इधर आप ट्रेन पर बैठ के वहां जाते हैं और पीछे से कारगिल हो जाता है तो फिर कुछ नहीं होना